أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير، وبك نستعين يا فتاح يا عليم. اللهم فقهنا في الدين، اللهم قوينا في الدين، اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. رب زدني علما. آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. पहले तो आप सब लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो कि आप लोगों ने पहला जुज मुकम्मल कर लिया और तैयार हैं, एग्जाम की रेस में लगे हुए हैं माशाल्लाह। ठीक है, इंशाल्लाह फिर आज हम जुज नंबर 2 शुरू कर रहे हैं। क्या नाम है पारे का? सयाकुल। हाँ माशाल्लाह। पहले पारे का क्या नाम था? अलिफ लाम मीम। हम सयाकुल इंशाल्लाह शुरू करेंगे आज। ठीक है, चलें। इससे पहले कि हम पारा शुरू करें, हम थोड़ा सा इसका पसे मंजर बता देते हैं। चलें, सेट हो जाएं सारे लोग, कुरान ले लीजिए सारे लोग। ठीक है, औजु बिल्लाह के मिनश शैतान रजीम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सूरह अल बकरा, सूरह नंबर 2, रुकू नंबर 17, आयत नंबर 142 to 147, जुज नंबर 2, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ठीक है, सयाकूल शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा इसका पसे मंजर बताते हैं आप लोगों को। देखिए, हमने पहला जो जुज पढ़ा है वो सारा किसके बारे में पढ़ा? हमने बनी इसराइल के बारे में। और अल्लाह ने देखिए दो आयतें जो शुरू की थी उसी पर बात उनकी मुकम्मल की कि अल्लाह ने फरमाया कि हमने तुम्हें फजीलत दी तमाम कौमों पर और अपनी नेमतें तुमको अता की। और फिर उसके बाद कहा कि उस दिन से डरो जिस दिन कोई किसी नफ्स किसी के काम नहीं आएगी, कोई सिफारिश नहीं होगी, कोई बदला नहीं लिया जाएगा और ना ही कोई किसी की मदद कर सकेगा। ठीक है, तो ये इसी बात से शुरू हुआ था, बनी इसराइल का जो टॉपिक था और इसी बात पर खत्म हुआ। ठीक है, अब देखें बनी इसराइल के बारे में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्यों बयान किया था, क्यों बयान किया, हमें उनके बारे में क्यों पढ़ना है? नसीहतें लें, इबरतें लें, है ना, लेसन हासिल करें। अल्लाह रब्बुल इज्जत हिस्ट्री की, पास्ट की कोई बात बताते हैं तो इसलिए नहीं बताते कि अल्लाह कोई बैठ के स्टोरी सुना रहे और बैठ के हम कानों के चस्के लें, इसलिए नहीं सुना रहे। इस हिस्टोरी स्टोरीज जो होती हैं या हिस्ट्री के कोई भी वाक्यात इसलिए बयान किए जाते हैं कि उन लोगों ने ऐसे अल्लाह की नाफरमानी की, तुम अब नहीं करना वो। क्योंकि देखो जैसे अल्लाह ने उनको फजीलतें दी थी, ऊंचे मकाम दिए थे, उनको इमामतें दी, उनको नबूवतें दी, उनको किताब दी, उन लोगों ने क्या किया? उसका हक अदा नहीं किया, ना किताब का हक अदा किया, ना नबूवत का, मतलब जो नबी का जो हक होता है वो अदा नहीं किया। तो इन लोगों के ऊपर किस किस किस्म के आजाब आए, है ना। हमने आजाब के बारे में भी पढ़ा, फिर अल्लाह ने कितनी बड़ी बड़ी नेमतें दी थी उनका तस्करा भी हमने पढ़ा। कहीं मन सलवाए खाने के लिए तो कहीं बादल छाया कर रहा है, तो कहीं अल्लाह रब्बुल इज्जत मुर्दों को जिंदा कर करके दिखा रहे हैं इनकी आंखों के सामने। फिर भी इन लोगों ने क्या किया? शिर्क किया अल्लाह की जात के साथ, बछड़े को माबूद बना लिया, फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत की नाफरमानी की। फिर अगर नबी कोई बात कहते तो उनकी बात के ऊपर क्या करते? अड़ जाते, उनसे बात को नहीं मानते, कहते कि नहीं हमको अल्लाह को खुद देखना है तभी हम आपकी बात को मानेंगे। तो इतनी सारी नाफरमानियां की अल्लाह रब्बुल इज्जत में इज्जत ने बिल आखिर इनके लिए क्या कह दिया? इन लोगों ने नाफरमानी की तो इनके ऊपर जिल्लत और मिस्कीनी हर जगह पर थोप दी गई और ये गज़बुन अला गज़ब के मुस्तहिक हो गए, गज़ब पर गज़ब के ये मुस्तहिक हो गए और अल्लाह ने इनको बिल आखिर मगदूबी अलैहिम में शामिल कर दिया जिन लोगों पर गजब हुआ। अब जो कौम, जो मिल्लत जिसको कोई अल्लाह रब्बुल इज्जत ने राइट्स दिए हैं और कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी हैं, कुछ हुकूक दिए हैं और उसके साथ कुछ काम सौंपे हैं कि भाई तुमको ये इमामत इसलिए दी गई है ताकि तुम दुनिया को लीड करो, लेकिन तुम खुद ही अल्लाह के नाफरमान बंदे बनकर बैठ गए हो तो अल्लाह क्या करेंगे? तुम ना अहल हो, तुम्हारी अल्लाह को जरूरत नहीं है, तुमको हमने एक ओहदा दिया था, एक पोस्ट दी थी, तुम्हें डिग्री अता की और तुमको ये काम बताए थे, तुम वो काम ही नहीं कर पा रहे हो तो तुम्हें क्या जरूरत है उस कुर्सी पर बैठने की? अब उस कुर्सी पर से उतर जाओ। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनसे इमामतें ले ली, उनसे क्या किया? मनसब जो था ले लिया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत, उम्मत मोहम्मदिया को वो मनसब अता कर दिया।
तो यहाँ जो आज हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं, पहले पारे में हमने सारा बनी इसराइल के ताल्लुक से पढ़ा कि किस तरह अल्लाह ने नेमतें दी और किस तरह से उनकी नेमतें छीनी क्योंकि उन्होंने अल्लाह की नाफरमानी की और उस मनसब उस पोस्ट का हक अदा नहीं किया, तो अल्लाह ने वो पोस्ट उनसे ले ली और कहा कि तुम मेरिट पर पूरे नहीं उतरे, तुम उस चीज के अहल नहीं रह गए, तो अब तुमसे वो क्या लिया जाता है, वो ताज लिया जाता है और वो ताज अब किसको दे दिया जाएगा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत का कोरोनेशन होगा। अब यहाँ जो आयत आ रही है ये उसी कोरोनेशन सेरेमनी के बारे में बात हो रही है कि अल्लाह ने इमामत अब उनसे लेकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में अता कर दी। और ये कौन सी नस्ल से लेकर किस नस्ल में दिया, बनी इसराइल में से लेकर बनी इस्माइल में। इसराइल कौन है, याकूब अलैहिस्सलाम की नस्ल से निकालकर इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल में वो क्या कर दिया, उस ताज को ट्रांसफर कर दिया कि ये इमामतें अब तुमसे ली जाती हैं, अब ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को दी जा रही हैं। अब वो जो काम तुमसे लेना था तबलीग करने का, लोगों को हक पहुंचाने का, वो तुम नहीं कर पा रहे हो, अब ये उम्मत करेगी। ठीक है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये चाहते थे कि वो, इसके पीछे एक थोड़ी सी छोटी सी और स्टोरी है वो हम देख लेते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक काबा में थे यानी हरम में थे तब तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किबला हमारा पहला जो किबला है ना, कब से देखिए जो आदम अलैहि सलाम ने जो बनाया था किबला वो क्या था, खाना काबा, काबा ही था। लेकिन फिर उसके बाद बहुत सारी नस्लें आई, सुलेमान अलैहि सलाम का दौर आया, सुलेमान अलैहि सलाम और ये सारे अंबिया जो थे कहाँ पर बसे थे, बैतुल मुकद्दस में है ना, फिलिस्तीन में बसे हुए थे, जेरूसलम में थे। तो जेरूसलम में क्या बनाई गई, एक तामीर की गई, किसकी, काबे की तामीर, किबले की तामीर की गई। और वो किबला कौन सा था, खाना काबा नहीं था, क्यों, क्योंकि काबा कहाँ पर है, मक्का में है, और मक्का उस वक्त गैर जी जरा वादी थी यानी वहां पर कुछ नहीं था, आबादी नहीं थी। अब यहाँ पर जो थे ये लोग जो फिलिस्तीन में रहा करते थे तो इन लोगों ने भी एक मस्जिद तामीर की, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सुलेमान अलैहिस्सलाम के जरिए से बैतुल मुकद्दस की तामीर करवाई और उसी दौर से फिर हमारा किबला क्या होने लगा, बैतुल मुकद्दस। ठीक है, अब बैतुल मुकद्दस जो है उसी को हमने किबला मानकर चलना है जब तक कि अल्लाह का कोई और हुक्म ना आ जाए। तो अब तक जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बाद से क्या चल रहा है, किबला बैतुल मुकद्दस, इसी में यहूदी भी, इसी में नसरानी भी, सब लोग इसी में इबादत करते हैं। यहूदी जो है वो मगरिब वेस्ट की तरफ रुख कर लेते हैं अपने चेहरा, और जो नसरानी ईसाई जो है वो ईस्ट की तरफ रुख करते हैं। लेकिन बात ये थी कि सबका किबला क्या हो गया, बैतुल मुकद्दस हो गया। अब देखिए बैतुल मुकद्दस जो है ना वो है इस तरीके से कि अगर हम उसकी पोजीशंस देखें यानी काबा कहाँ है और मदीना कहाँ है और किबला कहाँ है, उसके हिसाब से काबा की पोजीशन और बैतुल मुकद्दस की पोजीशन के बीच में आ जाता है मदीना। समझ रहे हैं, काबा है फिर मदीना है फिर बैतुल मुकद्दस है। ठीक है, एक मिनट हम जरा ये ऑनलाइन वालों को भी समझा दें, काबा, ये काबा है सबसे पहले, उसके बाद आता है हमारा क्या, मदीना। ठीक है, मदीना आता है, फिर उसके बाद थर्ड आता है बैतुल मुकद्दस। अब काबे की जिस तरह जो अगर हम इस सीक्वेंस में जा रहे हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, काबा है, मदीना है, बैतुल मुकद्दस है, अगर मैं यहाँ खड़ी हूँ तो मेरे सामने काबा भी आ रहा है, मदीना भी आ रहा है, बैतुल मुकद्दस भी आ रहा है, क्योंकि तीनों सब एक लाइन में है, राइट। लेकिन अगर मैं बीच में आ जाऊं, कहां पर, मदीना में आ जाऊं, तो मदीना में क्या होगा, एक की तरफ फीट होगी तो एक की तरफ रुख होगा, क्योंकि बीच में है ना, अगर कोई चीज बीच में आ जाती है तो आप दोनों को एक एट ए टाइम फेस नहीं कर सकते, राइट, ऐसा ही है ना। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक हरम में थे, हमारा किबला भी कौन सा चल रहा है, बैतुल मुकद्दस ही चल रहा है। ठीक है, बैतुल मुकद्दस ही हमारे अभी जहनों में बिठा कर रखे, यही हमारा किबला चल रहा है। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरफ पोजीशन लेकर खड़े होते थे, इस जगह खड़े होते थे कि जब नमाज पढ़ें तो काबा को भी, क्योंकि काबा की तो चार दीवारें हैं ना, किसी भी दीवार पे खड़े हो तो रुख तो किबले का मिलेगा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस दीवार की तरफ खड़े होते थे कि जिस, क्योंकि देखिए यहाँ वाली दीवार पे खड़े हो जाएंगे तो इस तरफ रुख हो जाएगा, यहाँ वाली दीवार पे खड़े होंगे तो इस तरफ, और इस वाली दीवार पे खड़े होंगे तो पीछे आ जाएगा मदीना और वो बैतुल मुकद्दस। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दीवार पर खड़े होते थे और इस दीवार से क्या होता था,
सामने काबा भी है, पीछे मदीना भी है, उसके पीछे बैतुल मुकद्दस भी है। तो एट अ टाइम दोनों मस्जिदों को, दोनों किबलों को सजदा हो रहा है, उसी के सामने, किबलों को नहीं मतलब किबले की डायरेक्शन में सजदा हो रहा है अल्लाह को। ठीक है, अब ऐसा हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे, क्योंकि वो कहाँ के रहने वाले हैं, मक्का के रहने वाले हैं, और जो जिस जगह पर रहता है उसकी मोहब्बत, उसका जो तकद्दस होता है वो ज्यादा होता है ना। हर इंसान को अपनी मादरी जो जगह होती है, जिसका नेटिव प्लेस होता है, वो उसकी तरफ हर इंसान अपनी असल की तरफ खिंचता है, राइट। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस जगह से मोहब्बत थी, उस काबा से मोहब्बत थी, क्योंकि काबा किसने तामीर किया था? हाँ, आदम अलैहि सलाम के बाद इब्राहिम अलैहि सलाम ने। और इब्राहिम अलैहि सलाम के ही दीन को अल्लाह ने क्या कहा है बार बार, अभी हमने पढ़ा था पिछली आयतों में, कि जो मिल्लत इब्राहिम से इधर उधर हो गया तो वो तो हलाक हो गया, वो तो बेवकूफ है, वो तो अपने आप को बेवकूफ बना रहा है। क्योंकि इब्राहिम अलैहि सलाम ने सब दुनिया से कट कर अल्लाह की इबादत की है, उन्होंने कभी किसी के साथ शिर्क नहीं किया, और अल्लाह ने उनकी इबादत को ऐसा पसंद किया कि उनको इमाम बना दिया, राइट। ये हमने पढ़ लिया था। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक मदीना में है, मक्का में है ना, मक्का में, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाजें पढ़ रहे हैं, और नमाजों में दिल को तसल्ली है कि मैंने दोनों किबले को फेस किया। ठीक है, दोनों किबलों को फेस किया, काबा को भी और बैतुल मुकद्दस को भी। अब ऐसा हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पर नमाजें तो पढ़ रहे हैं, लेकिन बेसुकूनी की नमाज है। बेसुकूनी इन द सेंस, वो दिल वाला सुकून नहीं, वो तो कनेक्शन अल्लाह से है, लेकिन कभी भी कोई भी हमला कर रहा है, कभी कोई पीछे से टॉर्चर कर रहा है, कभी कोई पीछे से ओझड़ी डाल के चला जा रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, यहाँ यानी लोग सुकून नहीं लेने दे रहे हैं यहाँ पर। यहाँ पर टॉर्चर हो रहा है, मेंटल फिजिकल हर किस्म का इमोशनल टॉर्चर हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुक्म दिया कि अगर यहाँ पर दीन को संभालना मुश्किल हो रहा है या लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा जुल्म हो रहा है, तो आप क्या कर जाएं, हिजरत कर जाएं। एक एक हिजरत ऑलरेडी हो चुकी थी, वो शॉर्ट हिजरा थी हबशा की तरफ। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 साल की उम्र में नबुवत मिली, 13 साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का में गुजारे हैं, अजियतों के साथ, तकलीफों के साथ, मशक्कतों के साथ, मेहनतों के साथ, लेकिन अल्लाह ने क्या कहा, सहते जाओ, जो हो रहा है सहते जाएं, सहते जाएं। आप नमाजें पढ़ रहे हैं, आपको कोई अजियत दे रहा है, सह लें, सह लें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सह रहे हैं, सहाबा किराम सह रहे हैं, कोई जबान से भी कुछ नहीं निकाल सकता था, ना कोई हाथ उठा, जब जबान से अलाउ नहीं था तो हाथ उठाना तो दूरी की बात है। अब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब देखा कि ये तशद्दुद जो है इन लोगों की तरफ से बहुत ज्यादा बढ़ गया, अल्लाह ने हुक्म दिया अब आप हिजरत कर जाएं। तो हिजरत किस तरफ करनी है, मदीना की तरफ, क्योंकि अल्लाह ने पेश, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मदीने वालों के दिलों में नबी की मोहब्बत पहले ही डाल दी है। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जब औस और खजरज दो कबीले थे मदीना के, उनको जब खबर हुई कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी बरहक आ चुके हैं, तो वो आने से पहले ईमान लेकर आ गए थे कि जब वो आएंगे तो हम बिल्कुल एकदम मतलब ऑसम वे में उनका वेलकम करेंगे। और एक्चुअली में उन्होंने किया भी, छोटी छोटी बच्चियों ने दब बजा कर वेलकम किया, और लोग इतने खुश कि पता नहीं क्या, दोनों जहान की हमें नेमतें मिल गई हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वेलकम किया गया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पर आ गए हैं। ठीक है, कहाँ आ गए, मदीना आ गए। अब मदीना में भी अभी तक हमारा किबला कौन सा है, बैतुल मुकद्दस ही है, बैतुल मुकद्दस है। ठीक है, अब देखिए बैतुल मुकद्दस किसका और किबला है, यहूद का भी है, नसारा का भी है। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं, जब मदीना में आए हैं, तो मदीना में आने के बाद जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल मुकद्दस की तरफ रुक करके नमाज पढ़ रहे हैं, तो काबे की तरफ पीठ हो रही है ना, हो रही है ना। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार निगाहें आसमान की तरफ नमाजों में उठाते, या अल्लाह मेरा दिल तो उस पर ठुकता है, मेरे बाप के किबले पर, कौन बाप, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, या अल्लाह कुछ कर दे, अपना हुक्म भेज दे कि मैं क्या करूं, इस तरफ रुख को मोड़ लूं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कम अज कम कितने 16 से 17 महीने ये चला, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाहिश करते रहे कि अल्लाह हमारे किबले को तब्दील कर दे, तब्दील कर दे, तब्दील कर दे, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता था कि हमारा किबला काबा ही होने वाला है, लेकिन कब ये नहीं पता था, कब ये नहीं पता था। तो 16-17 महीने अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसी पर कैरी ऑन करने को कहा कि बैतुल मुकद्दस ही की तरफ रुक करके नमाज पढ़ो। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे जो सहाबा अकराम थे, उनको तो कोई बात नहीं, क्योंकि वो जो थे
दीन जो था वो समझते ही वो थे कि जो नबी के जबान से निकला है, जो नबी ने कहा वही हमारे लिए दीन है, क्योंकि उन्होंने ही हमें अल्लाह से कनेक्ट करवाया है, वो हम तो उसी को दीन मानेंगे जिसको नबी ने हमें बताया। तो उनको तो कोई परेशानी नहीं थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरह भी रुक पड़े करके नमाज पढ़े। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार सोचते कि अल्लाह किबले की तरफ, काबे की तरफ फेर दे, काबे की तरफ फेर दे, काबे की तरफ फेर दे। यहूदियों का मामला ऐसा था कि जब ये लोग देख रहे थे कि ये जो है बैतुल मुकद्दस की तरफ रुक करके नमाजें पढ़ते हैं, तो उनको भी इतना कुछ वो नहीं हुआ कि भाई ज्यादा कुछ चेंजेस तो हुए नहीं है, तो हमको इतना भी ज्यादा वो लेने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी किताबों में लिखा हुआ है इनका जो किबला होगा काबा होगा, और ये हमारे किबले की तरफ नमाज पढ़ रहे हैं, यानी इनके दीन में मिलावट। इनको ऐसा लगा, यानी क्योंकि हमारी किताब में तो काबा लिखा हुआ था और ये नबी तो पढ़ रहे हैं हमारे किबले की तरफ, तो ज्यादा खतरे की बात नहीं है, राइट? ये इन्होंने किसने सोचा? यहूद ने सोचा। अब ऐसा हुआ कि 16-17 महीने हो गए, गुजर गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन, एक सहाबी हैं बशीर बिन बरा नामी एक शख्स सहाबी हैं, उनके घर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमामत कर रहे हैं, नमाज पढ़ा रहे हैं, जोहर की नमाज है, तीसरी रकात है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकू में हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वही नाजिल फरमा दी, ए नबी अपने चेहरे को फेर लो, राइट? कब? रुकू में। और कहां? नमाज के दौरान, जोहर की नमाज पढ़ रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहीं के वहीं अपने चेहरे को टर्न कर लिया, टर्न कर लिया, और टर्न करते ही जो इमाम थे सबसे पीछे हो गए और जो मुक्तदी थे वो सब आगे आ गए। ऐसे ही हुआ ना, क्योंकि पोजीशन चेंज हो गई। आप अब सहाबा कराम जो थे, हमने जैसे अभी आपको कहा कि वो तो दीन ही उसको समझ रहे हैं जो नबी कर रहे हैं, तो उन्होंने समझा कि नमाज का कोई नया स्टेप आया है, तो वो भी सारे टर्न हो गए, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टर्न हो गए, वो भी सब टर्न हो गए, ठीक है, उनको तो कोई मसला ही नहीं हुआ। अब मसला कहाँ खड़ा हुआ? यहूद में खड़ा हुआ। ये क्या हो गया? हमने तो कुछ और ही समझा था, ये तो कुछ और हो गया, यानी जो हमारी किताब में लिखा हुआ था ये वाली ऑपरेशन कोई भी सच साबित हो गई। अब इन लोगों ने क्या किया, इसको इशू बनाया, हाइक किया कि देखो इनको देखो, ये कभी इस तरफ नमाज पढ़ते हैं, कभी इस तरफ नमाज पढ़ते हैं, दे आर सो कंफ्यूज, इनको पता ही नहीं इनका दीन कौन सा है, इनका किबला कौन सा है। ये इन लोगों ने इस इशू को हाइक किया ताकि लोगों के दिल जो है इनसे बदजन हो जाए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और ईमान वालों से ये लोग क्या हो जाएं, दाएं बाएं हो जाएं, वो भी सोच में पड़ जाएं कि हाँ भाई अगर इनका दीन बरहक होता तो एक ही रुख करते, कभी इस तरफ क्यों करते। लेकिन जिनके ईमानों में कमजोरी थी वो तो क्या होगा, इनकी बातों में आ गए और फिर वो भी ऐसी बातें करना शुरू कर दी कि भाई क्या, क्यों क्यों ऐसा किया, ऐसा किया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि तुम्हें तुम्हारे किबले की तरफ फेर दिया गया, तुम्हारा असल किबला वही था जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम का था, हम तो देखना चाह रहे थे कि कौन नबी की पैरवी करता है। देखें, जब तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल मुकद्दस की तरफ रुक करके नमाज पढ़ रहे थे, तब तक किसका इम्तिहान था? सहाबा अकराम का इम्तिहान था, क्योंकि सहाबा अकराम भी वहीं के बौन है, काबे के ही बौन है, वो भी यही चाहेंगे कि हम जो है क्या करें, अपने ही काबे की तरफ नमाज रुक करके पढ़े। लेकिन सहाबा अकराम का तो दिल जो था इतना पक्का हो चुका था कि नबी जो कह दें वो तो हमारे लिए क्या है, एक हाँ पत्थर की लकीर की तरह है, वो जैसा कहेंगे तो वो हमने करना है, तो सहाबा अकराम को तो इतना रत्ती भर भी फर्क महसूस नहीं हुआ। लेकिन इन लोगों को, जब यहूद जो थे उनको ज्यादा तकलीफ हो गई, जो बिला वजह के झूठे ईमान के दावे लेकर आए थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कि या रसूल अल्लाह हम तो आपके आपके ऊपर ईमान लेकर आ गए हैं, जब जरा सा रुख टेढ़ा किया गया, पीछे पलटा गया, तो ये लोगों ने सबसे उछल कर बात की कि ये क्या किया आपने, ये कैसे कर दिया, आप लोग बेवकूफ हो गए हैं कि ये अपने काबे को तब्दील करता है, कोई क्या यानी क्या कि खेल बना रखा है कि कभी इधर कभी इधर। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पिछले पारे में 3 मरतबा क्या कहा था, वलिल्लाहिल मशरिक वल मगरिब, क्या कहा, अल्लाह ही के लिए मशरिक और मगरिब है, सारी सिमतें अल्लाह की हैं, तुम जिस तरफ भी अपने चेहरे को मोड़ोगे उसी को पाओगे, सम्मा वजहुल्लाह, वही अल्लाह का चेहरा पाओगे, यानी अल्लाह के सिमतों में कैद है कि बस इस तरफ रुक करेंगे तो अल्लाह मिलेगा, इस तरफ रुक करेंगे तो अल्लाह नहीं मिलेगा, अल्लाह जब कहे इस तरफ रुक कर लो तो उसी तरफ तुम्हें तुम्हारा रब मिलेगा, अल्लाह जब कहे पीछे मोड़ लो उस तरफ तुम्हें तुम्हारा रब मिलेगा, ये रब का हुक्म था जिसको सहाबा अकराम ने बिल्कुल तहे दिल से एक्सेप्ट कर लिया।
ठीक है। लेकिन सहाबा अकराम को थोड़ा सा किस चीज का परेशानी महसूस हुई, मतलब रुख तब्दील करने में कोई परेशानी नहीं थी, क्योंकि नबी को उन्होंने पक्का उनके ऊपर ईमान लाए थे, और वैसा पुख्ता ईमान शायद ही कोई लाया हो, क्योंकि हमने क्या आयत पढ़ी थी, अल्लाह ने क्या कहा कि ए नबी ये जब हिदायत पाएंगे, जब ये ए सहाबा कराम ये जब हिदायत याफ्ता हो जाएंगे जब ये तुम्हारी तरह ईमान लाएंगे, पढ़ी थी ना ये आयत। यहूदी क्या कह रहे थे, यहूदी बन जाओ हिदायत पालोगे। नसारा क्या कह रहे थे, नसारा बन जाओ हिदायत पालोगे। अल्लाह ने फरमाया यहूदी नसारा, बल्कि जब तक ये तुम्हारी तरह, तुम्हारी मतलब ए सहाबा अकराम, जब तक ये तुम्हारी तरह ईमान नहीं लाएंगे, जब तक हिदायत नहीं पा सकते। यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सहाबा अकराम को उनके लिए रोल मॉडल बना के बता बता दिया। वो मिसालें हैं कि किस तरह से नबी के दीन की पैरवी की जाती है। नबी ने अल्लाह के दीन को एज अ मिसाल नमूना बन के बताया, और सहाबा अकराम ने बताया कि किस तरह से नबी की पैरवी की जाती है, ठीक है। और खास तौर पर कौन से सहाबा अकराम, जो मुहाजिर थे, जो मक्का वाले थे, उनके ईमानों को कोई हिला नहीं सकता था, चाहे उनके टुकड़े टुकड़े क्यों ना कर दिए जाए, चाहे उनको आग में कोई क्यों ना डाल दे, चाहे उनकी जाने क्यों ना निकाल दी जाए, उनके ईमान को कोई फेर नहीं सकता था। इतनी पुख्तगी थी। सोचे ना कि एक बंदा जो हर वो कहते हैं ना, वो तपते 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 वो क्या बन जाता है, और इतना प्रेशर, वो जो हीरा बनता है, कोयला हीरा कैसे बनता है, कैसे बनता है, किसको पता है वो प्रोसेस कैसे बनता है हीरा? वो कोयला ही होता है, वो जो हमें चमकता हुआ हीरा दिख रहा होता है ना, वो असल में कोयला ही था, लेकिन उसके ऊपर इतना प्रेशर आता है, इतना प्रेशर आता है कि जो किसी और कोयले पर नहीं आ रहा होता है। वो प्रेशर, वो दबाव इस कदर ज्यादा होता है कि वो उसको हीरे में कन्वर्ट कर देता है। तो समझ रहे हैं आप, वो जो प्रेशर आ रहा था ना लगातार, किसका, मुशरिकाने मक्का का, वो एक तरफ से अजियत जबान से दे रहे हैं, कहीं आके मार रहा है, कोई कुछ करके चला जाता है, कोई कुछ करके चला जाता है, ये जो बार बार उन लोगों ने प्रेशर सहा ना, उसकी वजह से वो हीरे बन गए। रगड़ पड़ते 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 वो हर रगड़ ने उनको क्या कर दिया, चमका दिया, उनके अंदर शाइन पैदा कर दी। यानी जब आप कोई ऐसी चीज लेते हैं जैसे हीरा, हीरे को यही कहा जाता है ना, जब आपको उसको चमकाना तो उसको पॉलिश करो, कैसे, रगड़ कर, जिस कदर रगड़ होगी उसके ऊपर उतना वो चमकेगा। तो उसी तरह से रगड़ रगड़ कर उनके जो अंदर की स्किल्स थे, उनके अंदर के जो जज्बे थे, उनके अंदर के जो सबर थे, वो पूरे पॉलिश होके वो पूरे पुख्ते मुजस्सिम ऐसे बन गए थे कि बता दिया उन लोगों ने कि इस तरीके से भी नबी के ऊपर जाने निछावर की जाती है। अब सहाबा कराम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि ये तुम्हारा किबला है, कौन सा, काबा, और अब तुमको बैतुल मुकद्दस की तरफ रुक करके पढ़ने की नमाज जरूरत नहीं है। हम तो तुम्हें टेस्ट कर रहे थे कि क्या वाकई तुम नबी पर ईमान लाए हो कि नहीं लाए हो, कि बस वैसे ही मतलब जबानी दावे हैं। तो वो तो जबानी दावे कर ही नहीं रहे थे, वो तो पक्के ईमान लेकर आए थे। सहाबा अकराम को डर ये लगने लगा कि अगर हमारा जो किबला है वो काबा था, तो इसका मतलब 16-17 महीने जो हमने नमाजें पढ़ी, कहीं वो जाये तो नहीं हो गई, क्योंकि हमने तो बैतुल मुकद्दस की तरफ रुक करके नमाज पढ़ ली। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया नहीं, तुम्हारा रब तुम्हारी नमाजों को जाय नहीं करेगा, तुम्हारी इबादतों को जाय नहीं करेगा, क्योंकि पहले भी हमारा हुक्म था जिस पे तुम अमल कर रहे थे, अब भी हमारा हुक्म है। तो जो लोग कुछ सहाबा कराम यूं सोचने लगे कि जो फौत हो गए उनका क्या, जो मर गए हैं उनका क्या, उनकी तो फिर सारी नमाजें किबला की बैतुल मुकद्दस की तरफ चली गई, उनका क्या बनेगा। और जो लोग आज, क्योंकि सोशल मीडिया तो है नहीं कि अभी फेसबुक पर डाला और सारी जगह पहुंच गया, उस पे डाला और वायरल हो गया, ऐसा तो नहीं था। आज किसी जो सहाबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अभी खड़े हैं नमाज में, उनको तो पता चल गया। व्हाट अबाउट मक्का वाले, व्हाट अबाउट मदीना के बाहर वाले, उनको कब पता चलेगा, जब एक दिन की मुसाफत करके कोई बाहर जाएगा, ऊँटों से पहुंचेगा, घोड़ों से पहुंचेगा, जब जाके बताएगा कि भाई हमारा किबला तब्दील हो गया है। तो किस किस किसी किसी को तो इतनी दिनों में पता चलेगा कि उनके एक एक दो दो महीने चले जाएंगे, उनकी नमाजों का क्या। तो ये जो डर उनको महसूस हुआ, अल्लाह ने फरमाया जिसको जब इल्म आ जाए उसके बाद अगर वो उस बात की पैरवी ना करे तो फिर उसकी पकड़ होगी, इल्म आने से पहले अल्लाह तुम्हें तुम्हारी पकड़ नहीं करेगा। तो सहाबा कराम का क्या हो गया, यहाँ पर वो जो खदशा था, वो जो डर था, वो भी अल्लाह ने क्या कर दिया, उसको भी काम डाउन कर दिया। यहाँ रहे कौन, यहूद। यहूद जो थे छुपाए हुए थे ना अपना ईमान, मतलब अपने जो कुफर को, अपने जो इनाद थे, जो अपने
ग्रजेस थे वो अपने दिल में छुपाए हुए थे। जाहिर क्या कर रहे थे कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत बड़े पैरोकार हैं, हम तो इनके ऊपर ईमान लेकर आ गए हैं वो सिर्फ दिखावे के लिए। जब ये इंसिडेंट हुआ तो जबानों से सबसे पहले इनके ये फूटी बात के भाई ये कैसे, ये तो बेवकूफ लोग हो गए, कभी इधर कभी उधर कभी उधर कभी उधर। अल्लाह ने फरमाया हमने जाहिर करना था कि कौन आपके ऊपर वाकई ईमान लाया है और कौन सिर्फ ऐसे ही नकोचले बाजियां कर रहा है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वाजे कर दिया कि ये लोग मुनाफिक हैं, ये ईमान वाले नहीं हैं। जो ईमान वालों को बेवकूफ कह रहे हैं कि कभी इधर कभी इधर, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं कि ये बेवकूफ खुद हैं जो कह रहे हैं कि कभी इधर कभी उधर, ये तो रब का हुक्म है, रब तो देखना चाहता है कि कौन असल ईमान वाला है। तो यहाँ पर 6, 16, 17 महीने ईमान का टेस्ट किसका था? हाँ, मुहाजिरीन का, जो मुहाजिरीन थे उनका। और उसके बाद जो असल टेस्ट शुरू हुआ वो मदीना वालों का टेस्ट शुरू हुआ था। उसके बाद अगर जिसने इस्तकामत दिखा दी और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ईमान रखे और वैसे ही किया जैसे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया मदीना वालों ने, तो फिर तो वो ईमान में पुख्ता है, अदरवाइज वो खाली क्या थे? मुनाफिक थे। चल अब इंशाल्लाह हम आयतों की जानी बातें, हमने ये इसलिए बता दिया आप लोगों को कि आयत पढ़े तो आपको बातें समझ आ जाए, ठीक है। चलिए, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबने खोल लिया, ओपन कर लिया आयत नंबर 142, जूज नंबर 2, आयत नंबर 142। सयकूलु सुफहाउ, स सीन हमने देखा, सीन और सौफा का मतलब होता है अनकरीब, जल्द ही, सीन अनकरीब। यकूलु या यतान का या है, या का यतान मतलब मुजारे, यतान मतलब मुजारे यानी हाल और मुस्तकबिल, प्रेजेंट और फ्यूचर। और यतान का तर्जुमा हम कैसे करते हैं? या का मतलब वो, ता का मतलब तुम या फिर वो, तुम मेल के लिए और वो फीमेल के लिए, अलिफ का मतलब मैं और नून का मतलब हम, ठीक है। और ये या का मतलब क्या होगा? वो, सीन अनकरीब, जल्द ही, या वो, कुलू, काफ वाउ लाम इसके रूट लेटर है, कुल कहेंगे, अनकरीब या जल्द ही वो कहेंगे, कौन कहेंगे वो? असुफहा, वो कौन है यहाँ पर? असुफहा, ये वर्ड हमने पहले भी पढ़ लिया था, सफी, सफी का मतलब होता है एक बेवकूफ, सुफहा मतलब बहुत सारे बेवकूफ, प्लूरल है। सीन फाहा इसके रूट लेटर है, सीन अनकरीब या वो, कुलू कहेंगे, असुफहा बेवकूफ लोग, मिनन नासी, मिन से, मिन हरफे जर है, मिन यानी से, अन्नासी, अन्नास नून वाव सीन या हमजा नून सीन इसके रूट लेटर है, अन्नास यानी लोग, अनकरीब कहेंगे लोग बेवकूफ, अनकरू अनकरीब वो कहेंगे, वो कौन? बेवकूफ कहेंगे, मिन से, अन्नासी लोगों में से, क्या कहेंगे? मा वल्ला अन किबलतिहिम, मा के तीन तर्जुमे, क्या नहीं जो, क्या नहीं जो, यहाँ पर क्या का तर्जुमा है, मा क्या, वल्लाहुम, वल्ला वाव लाम या इसके रूट लेटर है, वली के तीन तर्जुमे क्या आते हैं? दोस्त, पोस्ट, ओहदा और फिर जाना, वल्ला यानी फिर जाना, टर्न हो जाना, एक है तर्जुमा वली का दोस्त और एक वली का तर्जुमा होता है विलायत, ओहदा, ठीक है, पोस्ट। माँ क्या, वल्ला फेर दिया हम उनको, क्या फेर दिया उनको यानी किसने फेर दिया उनको, अन किबलतिहिम, अन अन से, अन का तर्जुमा यहाँ पर से है, अन के दो तर्जुमे है ना, कौन कौन से? से और बारे में, से और बारे में, अबाउट या फ्रॉम, यहाँ पर फ्रॉम का तर्जुमा है से, किबलतिहिम, किबला यानी डायरेक्शन, किबला, किबला हिम उनके किबले से, उन सबके किबले से उनको किस चीज ने फेर दिया। अब किबला जो वर्ड है फीमेल वर्ड है ना, किबला फीमेल वर्ड है, गोल तापर एंड होता है, तो इसीलिए अल्लतिया है ना, अल्लती आ रहा है। अगर ये किबला मेल वर्ड होता तो क्या आता? अल्लती आता। दोनों का तर्जुमा क्या है? वो जो, अल्लती वो जो, अन से, किबला, किबले हिम उनके किबले से, अल्लती वो जो, कानू अलैहा, वावलिफ वो सब, काना थे वो, हाँ यहाँ पर था है होना में से थे का तर्जुमा है, वावलिफ वो सब, काना थे, काफ वाव नून उसके रूट लेटर्स हैं, वो सब थे, अलैहा, अला हरफे जर है, अला यानी पर, हा यानी उस पर, उस पर किस पर, हा, हा की जमीर किबले की तरफ जा रही है क्योंकि हा फीमेल है और किबला फीमेल है, उस पर जिस किबले पर वो थे तो उस पर किसने फेर दिया? अन करीब कहेंगे बेवकूफ लोगों में से,
मिनट अन करीब कहेंगे बेवकूफ लोगों में से, माँ वल्ला हूँ, माँ क्या वल्ला फेर दिया हूँ उनको, क्या फेर दिया यानी किस चीज ने फेर दिया उनको, अनसे किबला किबले हिम उनके किबले से, अल्लती वो जो वाली वो सब काना थे अला पर खा उस पर जिस किबले पर वो थे उनको किसने फेर किस बात ने फेर दिया। अब ये कौन कह रहा है आप लोगों को क्या लगता है कौन कह रहा है? यहूदी कह रहे हैं किसके बारे में? हाँ सहाबा अकराम के बारे में कह रहे हैं कि ये बेवकूफ है क्या कि ये इन लोगों ने कभी ये किबले को माना कभी ये किबले को, कि कौन सी बात ऐसी आ गई कि अब ये अपने किबले से फिर गए हैं और बैतुल मुकद्दस को छोड़ के काबे की तरफ रुख कर लिया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहे हैं कि ये खुद बेवकूफ है, बेवकूफ अभी यही सवाल करने वाले हैं, अल्लाह खुद कह रहे हैं कि बेवकूफ देखो अभी तुमसे यही सवाल करे और वही सवाल किया उन लोगों ने कि किस चीज ने तुमको फेर दिया किबले से। अल्लाह रब्बुल इज्जत जवाब देते हैं कुल लिल्लाहिल मशरिक वल मगरिब, द कंक्लूजन वही बात जो हमने पहले पढ़ी थी, कुल कह दीजिए, कॉफ वाव लाम इसके रूट लेटर है, कुल कह दीजिए लिल्लाही ली हर्फ जर है ली यानी लिए, अल्लाही यानी अल्लाह अल्लाह के लिए, अल मशरिकु मशरिक यानी ईस्ट, मशरिक अल्लाह के लिए, मशरिक कौन सा डायरेक्शन है जहां से सूरज डूबता है, डूबता है जहां से सूरज निकलता है, नहीं हम कंफर्म कर रहे हैं कि आप लोगों को पता है कि नहीं, मशरिक से निकलता है मगरिब में, मगरिब रात होती है ना, इंग्लिश ईस्ट से निकलता है वेस्ट में डूबता है, पहले क्या आता है पहले ईस्ट आता है ना ईस्ट फिर वेस्ट बोलते हैं ना हम, ईस्ट और वेस्ट, ईस्ट और वेस्ट, मशरिक और मगरिब, तो ईस्ट हमेशा पहले होता है मशरिक हमेशा पहले होता है, ठीक है और ई पहले आता है ना ऐसे याद रखो, अब याद रहेगा ई पहले आता है ना, ई पहले आता है डब्लू बाद में आता है, तो मशरिक पहले आता है मगरिब बाद में आता है, ईस्ट यानी जहां से सूरज निकलता है और वेस्ट यानी जहां पर सूरज डूबता है, तो मशरिक और मगरिब दोनों सिमतें अल्लाह की, बस दो सिमतें अल्लाह की हैं, सारी सिमतें अल्लाह की हैं, ये मुहावरतन कहा जाता है कि मशरिक मगरिब सब अल्लाह के हैं यानी सारी सिमतें अल्लाह रब्बुल इज्जत की है, कुल कह दीजिए ली लिए अल्लाह ही अल्लाह के लिए, अल मशरिक मशरिक ईस्ट व और अल मगरिब द वेस्ट यानी के मगरिब सब अल्लाह के लिए है, यहदी मन यशा इला सिरात मुस्तकीम, या यतान का या है या यानी वो हा दाल या हदी हिदायत देता है, वो हिदायत देता है वो कौन अल्लाह रब्बुल इज्जत, मन यशा मन जो मन या जो या जिसे, मन के दो तर्जुमे है ना कौन जो, तो यहाँ पर जो का तर्जुमा है जो या जिसे, यशा या यतान का या है या यानी वो, शाह चाहे शीन या हमजा इसके रूट लेटर है, जिसे वो चाहे वो हिदायत देता है, इला सिरातिम मुस्तकीम, इला हर्फ जर है इला यानी टू टूवर्ड्स तरफ तरफ टू सिरात सिरात यानी रास्ता, स्वाद रा तोय इसके रूट लेटर है, सिरात यानी रास्ता, मुस्तकीम मुस्तकीम यानी सीधा, काफ वाव मीम इसके रूट लेटर है, मुस्तकीम सीधा, और सिरातिम मुस्तकीम इन क्या है ये मौसूफ सिफत है, सिफत कौन सी है इसमें मुस्तकीम सिफत है, बाद में हमेशा सिफत आती है तो सिफत को उर्दू में पढ़ते वक्त पहले पढ़ेंगे, तो कैसे पढ़ेंगे सीधा रास्ता, रास्ता सीधा नहीं पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे सीधा रास्ता, सारी आयत तो आप लोगों ने तर्जुमा कर दी माशाल्लाह, अल्लाह मजिद वजिद, आई एम सो हैप्पी, एग्जाम तो हमारा आप लोगों का बीच में होता ही रहता है, हाँ जी हाँ ये इस पारे का हो गया पिछले का बाकी है, चले ठीक है, सीन अनकरीब या वो कुलू कहेंगे असुफहा बेवकूफ मिन से अन्नासी लोगों में से, माँ क्या वल्ला फेर दिया हूँ उनको, क्या फेर दिया उनको यानी किस चीज ने फेर दिया उनको, अनसे किबला किबले हिम उनके उनके किबले से, अल्लती वो जो वावलिक वो सब काना थे अला पर हा उस पर यानी उस किबले पर, कुल आप कह दीजिए ली लिए अल्लाह ही अल्लाह के लिए है, अल मशरिक मशरिक यानी ईस्ट व और अल मगरिब मगरिब यानी वेस्ट, या वो हदी हिदायत देता है मन जिसे, या वो चाहता है इला तरफ सिरात रास्ते मुस्तकीम सीधे सीधे रास्ते की तरफ, अन करीब कहेंगे बेवकूफ लोगों में से क्या फेर दिया यानी किस चीज ने फेर दिया उनको उनके किबले से, ये उल्टा क्यों पढ़ रहे हैं हम हर्फ जर अन आ रहा है इसलिए किबला तिहिम को पहले पढ़ लेंगे, ठीक है उनके किबले से उनको किसने फेर दिया वो जो वो सब थे उस पर यानी उस किबले पर, यानी पहले तो ये बैतुल मुकद्दस पर थे अब ये क्यों फिर गए हैं काबे की तरफ, कुल आप कह दीजिए अल्लाह ही के लिए मशरिक और मगरिब है, वो हिदायत देता है जिसे वो चाहता है सीधे रास्ते की तरफ, ये भी क्यों उल्टा पड़ा हमने, हाँ
मौसूफ सिफत में भी पहले उल्टा होता है और फिर हरफे जर की वजह से और उल्टा हो जाता है। तो पहले मुस्तकीम पढ़ेंगे, फिर सिरात पढ़ेंगे, फिर इला पढ़ेंगे, सीधे रास्ते की तरफ। ठीक है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनका जवाब दिया कि अल्लाह ने पहले ही आगाह कर दिया, जल्दी देखे, अभी आपने किबला तब्दील किया है ना, जल्दी देखे। बेवकूफ लोग कहेंगे, जो इनमें से बेवकूफ होंगे वो क्या कहेंगे कि क्या हो गया इनको, कभी इस तरफ पड़ते कभी इस तरफ, रुक किस किस वजह से फेरा। और वही हुआ जो यहूद थे, उन्होंने यही बात निकाली कि क्यों तुम लोगों ने अपना किबला फेर दिया। अल्लाह ने फरमाया कि क्या इनको नहीं पता कि ईस्ट और वेस्ट सब अल्लाह के हैं, और अल्लाह रब्बुल इज्जत जिसको जैसा जब चाहे उसको हिदायत दे दे, जिसको चाहता है अल्लाह उसको हिदायत दे देता है। हिदायत दे देता है मतलब क्या, नबी की पैरवी पे लगा देता है। असल हिदायत वही हिदायत है जो नबी की इताअत और उसकी इत्तबा के बाद आए। ठीक है, तो हिदायत का असल मतलब क्या है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जिसको चाहता है नबी के हुक्म के मुताबिक, अल्लाह असल में हुक्म देते हैं और अल्लाह का नबी का हुक्म अल्लाह ही का हुक्म होता है, तो नबी के हुक्म के मुताबिक जो उनके इत्तबा पर लग जाता है वही असल क्या है, हिदायत पर है। तो सारे लोगों ने जो सहाबा कराम थे उन्होंने मुंह मोड़ लिया उस तरफ जहां पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फेरा, तो पता चल गया कि कौन असल हिदायत पर है और कौन हिदायत पर नहीं है। समझ आ गई आयत? चले ठीक है, चले रिपीट कर लीजिए। अभी ये तर्जुमा मन का जो भी होता है, मन का तर्जुमा जो भी होता है जिसे भी होता है, तो जिसे वो चाहे, ये भी हो सकता है तर्जुमा जो वो चाहे, यानी ये इसमें स्कॉलर्स दोनों तर्जुमे करते हैं कि जिसे अल्लाह चाहता है उसको हिदायत देता है और जो बंदा चाहता है उसको हिदायत दी जाती है, यानी हिदायत बंदे की तलब ही पर मिलती है। अगर बंदा नहीं चाहता तो हिदायत इतनी सस्ती थोड़ी रखी हुई है कि हर किसी को ऐसे ही बोल आओ और ले जाओ, आओ और ले जाओ, ऐसी नहीं है हिदायत। अल्लाह ने कहा गया कि बंदा तलब तो करे तब मैं दूंगा, इदिना सिरात अल मुस्तकीम तो कहे तब मैं दूंगा। एक बंदा आता ही नहीं, खड़ा ही नहीं होता अल्लाह के सामने और वो समझता है कि उसको हिदायत मिल जाएगी, तो ऐसा नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हिदायत को बिल्कुल कैसा, मुतदिल समझ ले, बैलेंस में रखा हुआ है। इतना सस्ता नहीं रखा हुआ है कि हर किसी को दे दे और इतना महंगा भी नहीं रखा हुआ है कि मांगने वाले को ना दे, तो जो मांगेगा उसको मिलेगी और जो नहीं मांगेगा अल्लाह, जो इंटरेस्टेड ही नहीं है तो जबरदस्ती थोपा नहीं जाएगा ना। हम देखें वो कॉल आते हैं ना, आपको आते हैं ना, सर ये करवा लीजिए, वो करवा लीजिए, इंश्योरेंस करवा लीजिए, आप क्या कहते हैं, नॉट इंटरेस्टेड। क्या करते हैं वो, फिर हुज्जत करते हैं आपसे, नहीं रख देते हैं ना फोन। तो उसी तरह से जब बंदा कहता है ना अल्लाह नॉट इंटरेस्टेड इन हिदायत, अल्लाह मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ हिदायत में, मुझे नहीं चाहिए हिदायत, अल्लाह भी कहता है नहीं चाहिए मत ले, समझ रहे हैं आप। और जो बंदा कहता है अल्लाह मुझे तो चाहिए, वो जिसको चाहिए होता है वो क्या करता है, आगे इंक्वायरी करता है, हाँ और क्या प्लान्स हैं। तो वो जब आप प्लान्स की इंक्वायरी करें इसका मतलब आप इंटरेस्टेड हैं, राइट। हाँ बिल्कुल, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरह फातिहा में हमें हिदायत मांगने का तरीका सिखाया। फिर हिदायत कहाँ से दी, सूरह बकरा की पहली आयत से, हुदल लिल मुत्तकीन, तक्वा इख्तियार करो हिदायत तुम्हें मिल जाएगी। और हिदायत का जरिया क्या होगा, आला हिदायत क्या है, इंस्ट्रूमेंट क्या है, कुरान करीम। तो कुरान करीम के बगैर हिदायत अगर कोई बंदा तलाश करता है तो वो हरगिज भी हिदायत नहीं पा सकता। यानी वो एक हदीस का मफहूम है ना कि जिसने लोगों के अंदर अदल किया कुरान के जरिए से उसने वाकई अदल किया, जिसने लोगों को नसीहत करना चाहिए कुरान के जरिए से उसने वाकई नसीहत की, और जिसने लोगों को हिदायत की तरफ कुरान के जरिए से बुलाया उसने सच कहा, उसने लोगों को वाकई हिदायत की तरफ बुलाया। यानी जो बंदा देखिए इससे जो तलब किया जाएगा ना कुरान से वो आपको मिलेगा, बरकत मांगे बरकत मिलेगी। लोगों ने इस्ताले सवाब का तो जरिया बना दिया, इस कुरान को हुसूले सवाब का जरिया नहीं बनाया। हम जिंदगी में इससे सवाब, इससे बरकतें, इससे रहमतें हासिल करने के लिए आए, हुसूल हासिल करें, इससे हासिल करने के बाद जो बेचारा वो मर गया उसका इसाल करें, उसको पहुंचाने का काम करवा रहे हैं। तो जिंदों के लिए भी है ये कुरान, सिर्फ मुर्दों के लिए नहीं है। तो इसको जब जिंदे, हाँ बिल्कुल वो असल में जिंदों के लिए है। अभी वो उस दिन ही हम तफसीर पढ़ रहे थे सूरह यासीन की, तो उसके अंदर लोग क्या करते हैं ना मरने वाले के ऊपर, यासीन पढ़ो यासीन पढ़ो, क्यों पढ़ो क्यों पढ़ो, उसकी रूह आसानी से निकल जाए। हरगिज ये पर्पज है ही नहीं, ये पर्पज है ही नहीं रूह आसानी से निकलने का। उसका दीन करेक्ट हो जाएगा उस सूरह यासीन से। सूरह यासीन पूरी तौहीद पर बेस्ड है। सूरह यासीन आपको शिर्क से निकाल कर तौहीद की तरफ लाती है, आपको झिंझोड़ती है,
कि अगर कहीं शिर्क करा हुआ है तौबा कर लो, अभी आखिरी वक्त है। तो इसीलिए एक स्कॉलर ने अपना वो उसके अंदर व्यू दिया, मतलब अपना ओपिनियन दिया कि जिसको अरबी नहीं आती है अगर उसके सिराने बैठकर सूरह यासीन पढ़ रहे हो तो अल्लाह के बंदो उसका तर्जुमा पढ़ के सुना दो उसको, ताकि वो मरने वाले को पता चले कि वो जो है उसके रूह वो कहीं गलत रास्ते पर तो नहीं था जिंदगी भर के, अब जाके तौबा कर ले, क्योंकि वहां लगातार शैतान कोशिश कर रहा है कि मर जाए ये कुफ्र पर, शिर्क पर। तुम उसको जरा उसका दीन दीन करेक्ट करके उसका ईसाल कराओ। तो ये ईसाले सवाब वो नहीं है कि भाई तुमने पढ़ लिया उसकी रूह आसानी से निकल जाएगी, रूह तो जिसकी जैसी निकलनी है वो उसके अमाल के मुताबिक होगी। जिसने नेक अमल किए तो उसकी आसानी से निकलेगी, और जिसने बुरे अमाल किए तो उसका मामला अलग है ना। लेकिन बात यह है कि मरने से पहले वो कुफ्र से शिर्क से तौबा करके और फिर तौहीद पर अपनी जान दे, इसलिए सूरह यासीन पढ़ने का हुक्म है। हाँ लेकिन हाँ ठीक है, लेकिन नहीं क्योंकि अभी नजा की हालत में है। हाँ क्योंकि ये चीज कंफर्म नहीं है ना, बिकॉज हम लोग उसको जब बोलते हैं, मैंने ये सुनी थी कि वंस वी डाई उसके बाद वो लैंग्वेज हमको समझ में आए, बट नॉट एट दैट स्टेज। हाँ तो क्योंकि अभी वो अभी खुद ही वो गुदूदगी की हालत में है, तो इसीलिए वो स्कॉलर ने उन्होंने ओपिनियन अपना ये दिया कि जिनको अरबी नहीं आती है उनके सिराने बैठकर अगर तुम यासीन पढ़ रहे हो तो उसका तर्जुमा जरूर पढ़ो, ताकि उनको पता चल जाए, क्योंकि उसके अंदर वो बताया गया है ना कि किस तरह से उसकी जान निकली, और वो शख्स जो था जिसको दीन के नाम पर कत्ल कर दिया गया। तीन नबी उसको समझाने के लिए आए थे, तीन उस कौम में नबी आए एक के बाद एक, एक साथ आकर तीन अंबिया खड़े हुए हैं, सोचे एक भी नहीं दो भी नहीं, तीन नबी कह रहे हैं हक की तरफ आ जाओ शिर्क को छोड़ दो, और लोग क्या कर रहे हैं, नहीं हम तो नहीं छोड़ेंगे। एक परे किनारे से एक शख्स आता है दूर के किनारे से, वो कहता है ये तीनों नबी हैं इनकी बात की तस्दीक करो, उन लोगों ने क्या किया, हम तुझे कत्ल कर देंगे अगर तू खामोश नहीं होगा, इनकी बातों के ऊपर तू बिलीव मत कर, हम अगर तूने हमारी दीन को छोड़कर इनके दीन को वो करने की कोशिश की, प्रीच करने की कोशिश की, हम तेरा कत्ल करें। उन्होंने कत्ल कर दिया, शहीद कर दिया उसको, वो पहुंच गया जन्नत में, और वहां से कह रहा है या रब काश मेरी उम्मत को पता होता कि इन्होंने मेरा कत्ल करके मुझे कहाँ पहुंचा दिया है, इन्होंने मुझे वो दर्जे अता कर दिया है कि अब ये अगर देख लें ये खुद तमन्ना करे कि हमें दीन की राह में शहीद कर दिया जाए। तो वो वहां पर पूरा तौहीद को पूरा डिस्कस किया गया सूरे में, इसीलिए वो सिरहाने पर पढ़े तो पहले हम खुद भी समझ लें, ताकि हम हमारे सिराने बैठकर कोई पढ़ रहा हो तो हमें याद आ जाए कि हाँ भाई तौहीद के वजह से ये पढ़ी जा रही है, मैं अपने आप को करेक्ट कर लूँ, इसलिए नहीं कि मेरी रूह आसानी से, वो तो निकलेगी जैसे भी निकलनी है, मुश्किल से निकले या आसानी से निकले, रूह का तो निकलना बरहक है, लेकिन असल क्या है, रूह का निकलना असल है या हक पर निकलना असल है, हक पर निकलना हुस्ने खात्मा होना असल है, निकलना तो हर किसी की रूह को है, काफिर की भी रूह को निकलना है, तकलीफ से निकले या आसानी से निकले। हम तो कभी कभी कहते हैं काफिर को इतनी अभी सोया और मर गया, होता है ना, लेकिन कैसे मरा, कुफ्र पे मर गया ना, क्या होगा, वही सुबह शाम कुरान की आयत है ना, सुबह शाम तुम पर अजाब पेश किया जा रहा होगा, कहाँ पर, कब्र में, वो जो सुबह शाम अजाब की बात हो रही है वो कब्र की बरजख की जिंदगी की बात है, उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने पास बुलाने वाले, वो फिर अलग मरहला, फिर उसके बाद हशर का मरहला, उसके बाद पुल सिरात का मरहला, मीजान का मरहला। एक दो स्टेप्स हैं जिसके अंदर आसानियां हो जाएंगी, नहीं अभी तो ये तो जिंदगी की ही कुछ नहीं है, ये जिंदगी तो हमें वहां जाकर एक दो पहर लगेंगे, एक दो घंटे लगेंगे, अरे ये दो घंटे हमने जाय कर दिए। कोई इंसान अगर आपको कहा जाए आपके पास बस दो घंटे बचे हैं आखिरी, क्या करेंगे आप, ऐसे फरमा बरदार बन जाएंगे तो हम तो कि लगेगा कि बस यही तो थी अल्लाह वाली जिसने पूरी दुनिया में दीन फैलाने का अल्लाह ने जिम्मा दिया हुआ था। अगर हमें पता चल जाए ना ये आखिरी नमाज है, पढ़ लो असर की नमाज के बाद तुम नहीं रहोगे यहाँ, क्या मामला होगा हमारा, या बैठ जाएंगे हम, बेचैनी का आलम वो हो जाएगा। ये तो अल्लाह ने एहसान किया हुआ है कि वक्त नहीं बताया हुआ, वरना तो हम उसी बेचैनी में, कुछ लोग तो थे कुछ लोग यूं होते कि उसी बेचैनी में पागल हो जाते या मर जाते कि अब मेरा मरने का वक्त आया, अब दो घंटे खत्म हो गए, अब एक घंटा खत्म हो गया, अब ये हम घंटों जाय कर देते हैं और हमारे दिल तस से मस नहीं होते कि हमने कितने स्क्रॉलिंग में वक्त गुजार दिया, किस चीज की, सोशल मीडिया की,
तो हम ये नहीं समझ रहे हैं कि यहाँ का एक एक लम्हा क्या है, बहुत कीमती है। अगर ये जाय हो गया वहां पर सिर्फ हसरतें रह जाएंगी कि या रब काश अगर जन्नत भी मिल जाएगी ना, हसरत के बाद मिलेगी। तो वो हसरत वाली जन्नत नहीं चाहिए हम लोगों को। हम जब जन्नत में जाएं तो अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए जाएं, या रब मैंने तेरे ही इबादत में, तेरी उसमें अपने बालों को पकाया, बुढ़ापे के उसमें मैं जवानी तेरी इताअत करते हुए आई हूँ। या अल्लाह वो बात अलग है कि मैं तेरे हुकूक को अदा नहीं कर सकती, जिस तरह तेरा हक है वो मैं कभी जिंदगी में भी अदा नहीं कर सकती, लेकिन जितनी मेरी कैपेसिटी थी, जितनी मेरी इस्तेआत थी, कम से कम मैंने वो कोशिश की है। कुछ तो बोलने को रहे ना अल्लाह के सामने, क्या बिल्कुल ही खाली हाथ चले जाए, अल्लाह मैं तो कुछ नहीं हूँ, बस तेरी नाफरमानियां करके आई। अल्लाह कहेगा बड़े बड़े अच्छे काम करके आयो, आओ तुम्हें रास्ता दिखाता हूँ, अब देखो हक का रास्ता। तो वो जिंदगी नहीं गुजारनी है। देखिए ऐश तो करने ही है ना बिल आखिर, तो दुनिया में क्यों करें हम, दायमी ऐश क्यों ना करें, यहाँ के ऐश क्यों करने हैं हमें, क्यों ये धोखे, ये जो ना ये हकीकी धोखा है, ये एक एक छलावा है बस। दजल कहते हैं ना, दजल, व्हाट इज दजल, दज्जाल इसी से बना है ना, धोखा, जस्ट अ मिराज। ये जैसे शराब होता है ना, वो चमकती हुई मिट्टी नजर आ रही होती है और फिर जाओ तो वो पानी नहीं होता है, वही मामला है बस। ये कुछ नहीं है, ये बस जितना आप इसको मजबूती से पकड़ रहे हैं ना, रेत का मामला कैसा होता है, जितनी तेज मुट्ठी को बंद करेंगे रेत उतनी ही तेजी से निकलेगी। आप जितना तेजी से इस दुनिया को पकड़ना चाहेंगे उतनी ही तेजी से ये आपके हाथ से भागेगी। इंसान सोचता है कि मैं इसको अपने मुट्ठी में कर लूंगा, नहीं कर पाएगा, बिल आखिर इसी की कोशिश करते करते कब्र में पहुंच जाएगा और उस दिन जाके अल्लाह के सामने कहेगा या अल्लाह मैं तो कुछ भी नहीं लेके आया, मेरे पास तो कुछ भी अमल नहीं है, मैं किसके जरिए से तुझे फेस करूं। तो कुछ लेके जाना है यहाँ से इंशाल्लाह, ठीक है। तो अपनी उम्रों को कहीं जाय करने की जरूरत नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें ऐश करने के लिए दायमी मकाम दिए हैं। वो काफिर करें तो करें, क्योंकि उनके पास आखिरत का कुछ नहीं है ऐश, क्योंकि वो तो दुनिया और आखिरत, अगर आखिरत दुनिया में भी ऐश नहीं करेंगे तो फिर वो तो आखिरत में भी उनके लिए ऐश है नहीं। तो अगर हम उनको देख के अपनी आंखों को चौंधिया देंगे कि भाई ये तो बड़े मजे कर रहे हैं, अल्लाह तूने तो इनको दीन भी नहीं दिया और मजे भी दे दिए, तो वो तो दुनिया के मजे है ना, ये तो खत्म हो जाएंगे। वो जो असल दायमी मजे हैं, जो दायमी ऐश है, तो वहां पर हम करेंगे ना, हम परमानेंट। कोई आपको, आपने कभी ऐसा किया है कि आपका नेटिव प्लेस तो है लखनऊ दिल्ली और आप क्या कह रहे हैं कि नहीं भाई मैं तो ट्रेन में ही क्या करूंगी, एक घर बनाऊंगी। हाँ, और यहीं पर लाके अपने सारे ना एसी भी मैं यहीं लगवा लूंगी और ट्रेन में ही मैं सारा इंतजाम करूंगी और वो टीसी आया कहाँ आ गया आपका स्टेशन जाओ उतरो। अरे मेरे एसी और सब कुछ लगा हुआ है। कहा नहीं नहीं उतरो, हमारे दूसरी ट्रेन में पैसेंजर चढ़ेंगे। कभी आपने ऐसा किया कि ट्रेन में इंतजाम शुरू कर दिए, कि ट्रेन है इसके अंदर कौन इंतजाम इतने करता है, कौन इतना दिल लगाता है ट्रेन से आप दिल लगाते हैं क्या? कभी भी नहीं लगाते। आपका जो नेटिव प्लेस है आपका दिल वहीं लगा हुआ है ना, हमें अपने नेटिव प्लेस से जो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल है उससे दिल लगाए, ट्रेन से दिल मत लगाएंगे तो आएगी चली जाएगी, आपने इसका पैसा भरा, खत्म हो गया आपका सफर और आपको उतरना पड़ जाएगा। और कब उतरना पड़ जाए, कभी गाड़ी लेट भी हो जाती है, कभी जल्दी भी पहुंचा देती है, खबर नहीं ना कब पहुंचा देगी। तो जब पहुंचा देगी तो जब डेस्टिनेशन को देखें तो खुश हो जाए, ऐसा कुछ करके जाए, ठीक है। ट्रेन के लिए मेहनतें ना करें, सफर जो असल मंजिल है उसके लिए मेहनत करें, उसके लिए वहां जब जाएं तो वहां वालों के लिए कुछ गिफ्ट लेकर जाएं, वहां जब जाएं तो वहां के आने वाले कुछ मेहमान ऐसे होते हैं ना, जब हम नेटिव प्लेस पर जाते हैं हम जब जा रहे तो खुश होते हैं, तो खुश करने वाले। और कुछ ऐसा होता है मामला कि जब हम जा पहुंचते हैं तो लोग दुखी हो जाते हैं, तो वो मामला मत करें कि हम जब पहुंचे तो लोग दुखी हो जाएं, वो मामला करके जाएं कि जब पहुंचे तो फरिश्ते खुश हो जाएं, सलामुन अलैकुम तिबतुम लकुम, इस तरह से वेलकम कर रहे हो, क्या खूब काम किया, बिमा सबर तुम, क्या सबर, खूब सबर किया आपने, दिल कर रहा था ये भी ऐश कर लूं, सबर कर लिया, दिल कर रहा था ये भी अल्लाह की नाफरमानी कर लूं, सबर कर लिया, क्या खूब सबर किया है तुमने, है ना, कुरान की आयत है कि क्या सबर किया है तुमने, क्या जबरदस्त मजाहिरा करके आए हो सबर का, बड़े उलुल अज्म वाले काम किए हैं तुमने, बड़े हिम्मत वाले काम करके आए हो तुम, अब तो तुम्हारा वेलकम है, अब आओ हम तुम्हें दिखाते हैं तुम्हारी जन्नत कैसी है। फिर आएंगे फरिश्ते और फरिश्तों के तांते बने हुए होंगे, आओ जरा हमें भी तो दिखा दो कौन से सेलिब्रिटी आए हैं, कौन आ गई है ये हस्ती, कौन सी हस्ती है जिसने जन्नत को कमाया है,
हम देखें तो इसका चेहरा, हम देखें तो दीदार तो करें इसका, और लोग फरिश्ते आपके ऊपर, जिस तरह से यहाँ पर हम दुनिया में एक छोटा सा सेलिब्रिटी आता है तो कैसे उसकी कार को घेर रहे हैं और सब कुछ घेर घेर के खड़े हो जाते हैं, वैसे ही फरिश्ते घेर कर खड़े हो जाएंगे। क्या नहीं बनना हमें सेलिब्रिटी? सबको अच्छा लगता है ना उसकी इज्जत की जाए, उसका नाम वाह वाह चर्चा किया जाए, यहाँ के नहीं वहां के सेलिब्रिटी बने, ठीक है इंशाल्लाह। तो कोशिशें वहां के लिए करें, क्योंकि ये जब उसकी कोशिश की जाएगी इसका सामान खुद अल्लाह कर देगा, लेकिन अगर दुनिया ही की कोशिश की जाएगी आखिरत में कुछ भी नहीं मिलने वाला। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमा दिया है कि जो मेरे कामों में लग जाता है मैं दुनिया के उसके काम खुद बना देता हूँ, और जो मेरे कामों से पीछे हटता है तो उसकी जिंदगी उसके मामलात को बिखेर कर रख देता हूँ, वो उसी में पड़ा रहता है तब भी उसके मामलात नहीं सिमटते, और नहीं सिमटते हैं। ऐसा ही है, जो लोग अल्लाह को छोड़कर जी रहे हैं ना वो बेसुकून आपको दिखाई देंगे, जब जिनके पास अल्लाह ने बहुत सारे मसले बहुत सारी आजमाइशें दी हैं, बहुत सारे उनके ऊपर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने गमों के पहाड़ तोड़ रखे हैं, लेकिन अगर वो कुरान से जुड़े हुए हैं उनकी जबान से कभी अल्लाह के लिए शिकवा नहीं निकलेगा। आप देखेंगे उनको मुतमईन, आप देखेंगे गम है ना, नहीं वो तो मेरे रब ने दिया है, वो जिस तरह दिया है वो उससे ले भी लेगा। आप उन लोगों को इतना मुतमईन देखेंगे कि उनके दिल हमेशा फुल सुकून होते हैं। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने सुकून ही अपनी याद में रख दिया। कोई बंदा अल्लाह की याद के अलावा सुकून तलाश ही नहीं कर सकता। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मईन्नुल क़ुलूब, याद रखो अल्लाह ने कह दिया खबरदार, सुकून तलाश करना चाहते हो कहाँ तलाश कर रहे हो? क्लब्स में, पब्स में, वीडियो गेम्स में, गेम्स में? कभी भी नहीं मिलेगा। मैं क्योंकि मैंने सुकून ही यहाँ पर रख दिया उठाकर अपनी याद में, तो अब चाहे दुनिया में चाह चले जाओ, तुम क्या समझते हो कम टू दुबई हबीबी? नो, बात नहीं, नहीं मिलने वाला आपको सुकून, है ना? दुबई जाएंगे सुकून मिल जाएगा, कब तक सुकून मिलेगा? जब तक आपका पैसा है वो थोड़ा आप हंस लेंगे मुस्कुरा लेंगे, उसके बाद बैक टू योर नॉर्मल लाइफ, फिर तुम आ जाओगे उसी जगह पर, फिर वहां से पैसा आपका खत्म होगा, आपका वीजा वहां से खत्म होगा, आप अपनी जगह पर आएंगे, वो वहां से कहेंगे जाएं आप अपनी बेसुकूनी की जगह पर, दोबारा आपका मुकाम आपको बुला रहा है, राइट? ऐसा ही है ना। तो दुनिया में आप अगर सुकून तलाश करेंगे अल्लाह को छोड़कर तो कतई भी सुकून नहीं मिल सकता, क्योंकि अल्लाह ने अपने जिक्र में, और जिक्र की बेहतरीन जो आला है वो क्या है? कुरान करीम है, क्योंकि अल्लाह ने कुरान करीम ही को अज़्ज़िक्र कहा है। कुरान, कुरान में ही कुरान का नाम अज़्ज़िक्र रखा गया, द बेस्ट ऑफ जिक्र, सबसे बेहतरीन जिक्र। अगर अल्लाह से बातें करनी है, अल्लाह को याद करना है, तो कुरान की तरफ आ जाओ, ठीक है? अब वो रुजू इल्लाह की जो मुहिम चल रही है, इसलिए हमने सोचा थोड़ा सा कुरान का इंपॉर्टेंस आप लोगों को बता दें। चलें ठीक है, इंशाल्लाह आयत रिपीट हो गई, हम नाउ कम टू द नेक्स्ट आया इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, औऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आयत नंबर 143। वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसता, व और कज़ालिका इसी तरह, इसी तरह, व और कज़ालिका इसी तरह, जअला जीम आइन लाम इसके रूट लेटर है, जअला बना दिया, ना हमने कुम तुम सबको, और इसी तरह बना दिया हमने तुम सबको उम्मतन वसतन। क्या हुआ? वो जो कोरोनेशन सेरेमनी, वो जो ताज थे, ताज पोशी अब किसकी हो रही है? इस उम्मत की हो रही है। अल्लाह ने कहा ए बनी इसराइल तुम ना अहल ठहरे, ए बनी इसराइल तुमने हक अदा नहीं किया, लाओ हमारा ताज वापस करो, लाओ हमारी पोस्ट वापस करो, लाओ ये गद्दी वापस करो, ये हम देंगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को, और तुमको बना दिया उम्मतन वसतन। उम्मतन वसतन, उम्मत का मतलब उम्मत, नेशन, ठीक है, कौम, वसत। वसत के तीन तर्जुमे होते हैं, वस्त का एक तर्जुमा होता है मिडल, दरमियान, ठीक है, वस्त का एक तर्जुमा होता है इम्पोर्टेंट, खास, ठीक है, और वस्त का तीसरा तर्जुमा होता है जस्ट, अदल वाली, ठीक है। तो ये उम्मत अदल करने वाली उम्मत है, ये उम्मत बहुत इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट तो अल्लाह ने किया ना, इसीलिए अफजलुल अंबिया की उम्मत बना दिया, तो ये इंपॉर्टेंट है सबसे। फिर तीसरी बात क्या कहा हमने? जस्ट यानी कि अदल वाली उम्मत, और दूसरा क्या कहा? इंपॉर्टेंट, और एक वस्त का मतलब होता है मिडल, दरमियान, दरमियानी। अब दरमियानी कैसे और जस्ट कैसे, उसको हम बता देते हैं आप लोगों को। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस उम्मत को कहा कि तुम उम्मत वसत हो। उम्मत वसत का मतलब ये होता है कि
तुम लोगों के दरमियान हो, लोगों के दरमियान इन द सेंस के अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आदम अलैहिस्सलाम से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक 1,00,000 कमोबेश 24,000 अंबिया भेजे, 1,24,000 नबी भेजे। क्यों भेजे, क्यों भेजे, क्यों भेजे? जब 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 भी किसी मुआशरे में बुराइयां फैलना शुरू हो गई, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने किसी नबी को भेज दिया कि जाएं, आप बशीर हैं, आप नजीर हैं, आप डराएं, इनको बताएं कि ये गलत कर रहे हैं, ताकि वो हक की तरफ आ जाए, राइट? यही इसी काम के लिए भेजा अंबिया अलैहिस्सलाम को। लेकिन बिल आखिर नबूवत का सिलसिला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खत्म हो गया, हो गया ना। अब आपको क्या लगता है कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबूवत का सिलसिला खत्म हो गया तो इसके बाद कोई बुराई नहीं फैलेगी? फैलेगी ना, कयामत तक वो होता रहेगा कि हर कौम में कोई अच्छे लोग भी होंगे, बुरे भी होंगे, बुराई तो फैलती ही रहेगी, क्योंकि शैतान लगा हुआ है ना, कयामत तक का वक्त लिया उसने, बुराई तो फैलेगी। नफ्स भी अंदर से, अंदर और बाहर दोनों ही तरफ से तबाहियां फिर रही है, नफ्स से अम्मारा और बाहर से शैतान इबलीस, तो दोनों तरफ से बुराइयां फैलने का तो बड़ा खदशा है। अब नबी जब खातमुन्नबीयीन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए हैं, मतलब अब इसके बाद कोई नबी नहीं आना, लेकिन बुराई का सिलसिला तो अब भी जारी रहेगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वो जो टास्क, वो जो काम नबियों को दे रखा था, कहा अब ये नबी की उम्मत वाली करेंगे। यानी किसका काम है ये? हाँ, उम्मत का तो किसके किससे लेकर दिया गया? अंबिया का काम दिया गया उम्मत को। अंबिया अलैहिस्सलाम का जो काम था, जो पहले नबियों में आते थे, वो काम इस उम्मत को दे दिया गया। इम्पोर्टेंट हुई कि नहीं हुई? कितनी खास उम्मत हो गई ये कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस काम के लिए पसंद किया जिस काम के लिए नबियों को पसंद किया। कैसे स्टैंडर्ड रेस कर दिए, किस तरह से स्टेटस बढ़ा दिया अल्लाह ने इस उम्मत का, के नबियों के करने वाले काम इस उम्मत से लिए हैं, लेने हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा ये नबियों का सिलसिला खत्म, यहाँ आगे उम्मत आगे आती रहेगी। ए उम्मत मुस्लिमीन, तुम इन नबियों और आगे आने वाली उम्मत के बीच में क्या बन गए हो? कड़ी बन गए, एक एक चेन का काम कर रहे हो, और तुम्हारा वही काम होगा जो नबियों ने किया है। तो तुम क्या हो गई? दरमियानी उम्मत, जो जो गल जो आगे आने वाले लोग हैं और जो अंबिया हैं उनके दरमियान तुम दरमियानी उम्मत हो। तुम इम्पोर्टेंट उम्मत हो, क्यों? क्योंकि तुमसे नबियों वाला काम लेना है, ठीक है? और उम्मत वस्त अदल वाली उम्मत क्यों हो? अदल वाली उम्मत इसलिए हो कि कयामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत सारी उम्मतों को उनके नबी के परचम तले खड़ा करेगा। नूह अलैहिस्सलाम, यूनुस अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, सब अपने अपने परचम के साथ खड़े हुए हैं, अपने लीडर नबी के साथ, पीछे उनकी उम्मत खड़ी हुई है, ठीक है? अल्लाह रब्बुल इज्जत इनकी उम्मत से पूछेंगे, ए नूह की उम्मत बताओ, क्या तुम्हारे नबी नूह अलैहिस्सलाम ने हक पहुंचा दिया था? कहेंगे हमें तो कोई नहीं आया पहुंचाने वाला, झुटला देंगे। कहेंगे ए ईसा की उम्मत, क्या पहुंचा दिया था? कहेंगे हमें तो कोई नहीं आया बताने वाला। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत इस तरह से सारी उम्मतों से पूछते 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 पूछते, सोचे इतने सारे लोगों से पूछा जाएगा, इमेजिन करें वो दिन की लंबाई, ऐसे ही नहीं वो 50,000 साल का दिन है, ये सारे काम उस दिन होने वाले हैं। अल्लाह सारी उम्मतों से एक एक वक्तन फवक्तन सारी उम्मतों से पूछ लेंगे, आखिर में पूछा जाएगा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से कि ए उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या तुम्हारे नबी ने तुम्हें हक पहुंचा दिया था? ये उम्मत कहेगी, यार अल्लाह रब्बुल इज्जत तेरी इज्जत की कसम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हक पहुंचा दिया था। ये तो कह रहे कि इन्होंने नहीं पहुंचाया, कहा हम गवाही देते कि इनको भी इनके नबी ने पहुंचा दिया था। कहा तुमने इनकी गवाही कैसे दी? कहेंगे यार हमें हमारे नबी ने बताया, और फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछेंगे तो नबी हमारे ऊपर गवाही देंगे, हम नबी के लिए गवाही दे रहे हैं ना कि यार हमें हमारे नबी ने हक पहुंचाया, और हम दूसरों की भी गवाही दे सकते कि उनके नबी ने उनको हक पहुंचाया, क्योंकि हमारे नबी ने उनके बारे में भी हमें बताया था, बताया ना कि नूह अलैहिस्सलाम आए, हूद अलैहिस्सलाम ने कहा उबुदु लिल्लाह, तुम अल्लाह की इबादत करो, उसके साथ कोई शरीक ना करो, कुरान के जरिए से, कुरान के जरिए से सारी उम्मतों का भी बता दिया। फिर अल्लाह ने कहा कि कुछ नबियों के नाम हमने कसस बता दिए हैं, कुछ के नहीं बताए, लेकिन सबका वही पैगाम था। इस तरीके से हम दूसरी उम्मतों पे भी गवाही देंगे, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर हमारे ऊपर गवाही देंगे कि मेरी उम्मत ने सच कहा, कि
मैंने इनको भी पैगाम पहुंचाया, इनके नबियों ने भी इनको पैगाम पहुंचाया, क्योंकि मैंने अपनी उम्मत को इनके पैगामों के बारे में भी बताया था। तो इस तरीके से अल्लाह ने कहा ये अदल करने वाली उम्मत है, समझ गए, ये अदल करने वाली उम्मत है, ये खास इंपॉर्टेंट उम्मत है, और ये उम्मत दरमियानी उम्मत है। तो समझ गए किस लिहाज से ये तीनों तर्जुमे इसमें आ जाते हैं। तो अल्लाह ने जिस जो रीजन इस आयत में दिया है वो गया गवाही वाला, कि तुम नबियों के दरमियान और आगे आने वाली उम्मत के दरमियान तुम क्या हो, कड़ी हो, चेन हो, कि तुम्हारा वही काम रहेगा जो अंबिया का। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक फरमाया कि अल उलमाउ बनी इसराइल का अल इमामु अल इमामु उम्मती, मेरी उम्मत के जो इमाम है बनी इसराइल के नबियों के बराबर है, सॉरी मेरे उम्मत के जो उलमा है वो बनी इसराइल के अंबिया के बराबर है। अल अंबिया बनी इसराइल का अल उलमाउ उम्मती, ऐसे जैसे मेरी उम्मत के उलमा है वही दर्जा रखते हैं जो के बनी इसराइल के अंबिया रखते हैं। अल्लाह अकबर, सोच रहे हैं कितना बड़ा मर्तबा दे दिया है। ऐसे ही नहीं नबियों ने ख्वाहिशें की थी कि यार अब मुझे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा करना। अल्लाह अकबर। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत यहाँ पर क्या फरमा रहे हैं, तुम उम्मते वसत हो, यानी अब हमने ताज पोशी तुम्हारी कर दी है, तुम्हारे सर पे वो ताज पहना दिया तबलीग का, कि अब तुम क्या करोगे, वो जो हक नबी पहुंचाया करते थे अब वो तुम पहुंचाओगे। वह और कजालिका इसी तरह जाला बना दिया ना हमने तुम सबको उम्मतन वसतन, वस्त उम्मत दरमियानी उम्मत या जस्ट उम्मत यानी कि अदल वाली उम्मत, उम्मत वसत को उम्मत वस्ती रखें, ठीक है, ये अल्लाह ने टाइटल दिया है उम्मत वस्त। ये उम्मतन वसतन क्या है, उम्मतन वसतन मौसू सिफत है और वस्त या उसकी सिफत है और उम्मत जो है उसका मौसू है। दरमियानी उम्मत ली तकूनु शुहदा ली ली ताके लामे तालील है ली ताके ता यतान का ताक है ता तुम वावलिफ सब ली ताके ता तुम वावलिफ सब पूनू हो जाओ ताके तुम सब हो जाओ शुहदा शाहिद का प्लूरल है शुहदा गवाह अला नासी अला पर अन्नासी लोगों पर किन लोगों पर कौन से दिन की बात है ये वही कयामत के दिन की बात है कि सारे लोगों पर ये उम्मत गवाही देने वाली है ली ताके ता तुम वावले सब कुनू हो जाओ शुहदा गवाह शीन हा दाल इसके रूट लेटर है शाहिद यानी शुहदा इसका प्लूरल है गवाह अलन नास अला पर अन्नासी लोगों पर वह यकून रसूल व और या यतान का या है या यानी वो कूना यानी हो जाए और वो हो जाए वो कौन अर रसूल खास रसूल अल आ गया है खास रसूल यानी कौन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और वो हो जाए यानी वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो जाए अलैकुम अला हर्फ जर है अला यानी पर कुम यानी तुम सब पर ठीक है तुम सब पर शहीदन गवाह शहीद एक गवाह और जो शुहदा यानी बहुत सारे गवाह रसूल तुम पर गवाह हो जाए तुम उस लोगों पर गवाह हो जाओ वमा जअलना वमा वा और माँ नहीं वा और माँ नहीं जाला बनाया ना हमने और नहीं बनाया हमने अल किबलता खास किबला ठीक है यानी काबा की बात हो रही है किबला अल्लती वो जो कुंता अलैहा कुंता कुन थे ता आप काफ वाव नून इसके रूट लेटर हैं ये ता वो चार ता में से ता है ना जैसे अनता में आता है तूने इनाम किया अनजलता तूने नाजिल किया कुंता आप थे आप क्यों कह रहे हैं क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है तू नहीं कहेंगे आप थे कुन थे ता आप अलैहा अला हर पे जरे अला पर खा उस पर इल्ला सिवाय एक्सेप्ट सिवाय ये इसी इल्ला की वजह से मा जो था नहीं हुआ है ठीक है इल्ला सिवाय लीना अलमा मन यत्तबी रसूल ली ली ताके ली लामता अली ली ताके ता ना अलमा नून यतान का नून है नून हम आयन लामीम इल्म रख ले जान ले ताकि हम जान ले मन कौन यत्तबी या वो तबा करता है इत्तबा करता है पैरवी करता है फॉलो करता है कौन फॉलो करता है अर रसूला खास रसूल अल खास आ रहा है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौन पैरवी करता है इसीलिए हमने आपको पहले किबले पर रखा हुआ था मिम मन यनकलिब मिन और मन दो लफ्ज हैं मिन और मन मिन यानी से मन यानी जो उससे जो यनकलिबू यनकलिबू या यतान का या है या वो इनकलबा
कौफ लाम बा इसके रूट लेटर है, कलबा का मतलब होता है फिरना, ठीक है, दिल का भी कौफ लाम बा कल्ब रूट लेटर है ना, कल्ब का मतलब क्या होता है दिल, दिल होता है ना, और कौफ लाम बा असल रूट लेटर का क्या मतलब होता है फिरना, टर्न होना, ठीक है, क्योंकि दिल भी हमारा क्या होता है एक जगह बैठता नहीं है, फिरता रहता है, कभी खुश हो जाता है कभी गमगीन हो जाता है, कभी दुख महसूस करता है तो कभी कुछ हो जाता है, उसी तरह से जाहिरी पहलू में भी क्या कभी कॉन्ट्रैक्ट होता है कभी रिलैक्स होता है, कभी किसी का ज्यादा ही धड़क जब आप डर जाते हैं तो उसके वो बढ़ जाती है ना पल्स, और फिर उसी तरह से जो भी मामलात होते हैं फियर में और एंगर में आपका दिल का जो वो होता है बढ़ जाती है ना, ठीक है, और किसी का रुक जाता है तो मामला खराब हो जाता है। चलिए अर रसूल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मन, मन से मन जो उससे जो यनकलिबू या वो इनकलाबा फिर जाता है अला पर, घर पे जरे अला पर अकीबई ही, अकीबई ये एक्चुअली में था अकीबई नी, बई का टोन आ रहा है ना, बा और बई का टोन आएगा, बानी और बई नी, आनी और आईनी दो के लिए होता है, जैसे हमने पढ़ा था किताब किताबानी किताबैनी, कलम कलमानी कलमैनी, कलम एक कलम कलमानी कलमैनी दो कलम, उसी तरह किताब एक किताब किताबानी किताबैनी दो किताबें, तो आनी और ऐनी लगने से क्या बन जाता है दो बन जाता है, तो अकीबुन का मतलब होता है एड़ी, ही एड़ी पैर की जो एड़ी होती है ना वो, और अकीबैनी का मतलब दोनों एड़ियां, ठीक है दोनों एड़ियां, अकीबई ने दो अकीबई उसका नून ड्रॉप हो गया, अला पर अकीबई दोनों एड़ियों ही पर उसकी दोनों एड़ियों पर, अला पर अकीबई दोनों एड़ियां हील्स ही पर ही उसकी उसकी दोनों एड़ियों पर कौन फिर जाता है। अल्लाह ने क्या फरमाया, हम तो ये जानना चाहते थे कि रसूल की इत्तेबा कौन करता है और कौन दोनों एड़ियों के बल फिर जाता है, कब जब हम काबा तब्दील करेंगे किबला तब्दील करेंगे, व इनकानत लकबीरतुन वा और इन इल्ला की वजह से इन क्या हो जाएगा नहीं, वा और इन नहीं कानत कानत काना का मतलब हो गया हाँ था या है वा और इन अगर वा और इन नहीं कानत था, क्योंकि ये थी या था, ता के ऊपर सुकून आ रहा है क्योंकि लकबीरत कबीरा फीमेल है गोल ता की वजह से, तो ता के ऊपर सुकून आ रहा है कानत, और मेल के लिए क्या होता काना, ताके पर सुकून हट जाता, वा और इन नहीं कानत कानत है यथा लकबीरतुन, ला ये ला में ताकीद है एम्फेटिक ला में, ला यानी बेशक यकीनन कबीरतुन बड़ी, यानी ये जो बात थी कैसी थी बड़ी बात थी, वा और इन नहीं कानत थी ला अलबत्ता कबीरतुन बड़ी, यानी बड़ी बात भारी बात, इल्ला सिवाय अल्लज़ीना हदल्लाह, अला हर्फ़े जर अला यानी पर, अल्लज़ीना उन लोगों पर उन सब लोगों पर हदल्लाह जिन्हें हदा हिदायत दे दी, हदा या रूट लेटर है हदा हिदायत दी अल्लाह अल्लाह ने, यानी अल्लाह ने क्या फरमाया जिनको अल्लाह ने हिदायत दे दी थी उनके लिए किबले को तब्दील करना कोई बड़ी बात नहीं थी, उनको कुछ भी नहीं लगा, लेकिन जिनको अल्लाह ने हिदायत नहीं दी थी तो बस तो वो तो जाहिरी पहलू के पीछे पड़े रहते हैं। अभी इसके भी एक एग्जांपल देते हैं तो बात वाज़े हो जाएगी। वमा कान अल्लाहु लियुदीअ ईमानुकुम, वा और मा नहीं, मा का तर्जुमा नहीं आ जाएगा, वा और मा नहीं कान अल्लाह काना है, देखिए अल्लाह के लिए जब भी आएगा काना का तर्जुमा थे नहीं करेंगे है करेंगे, वा और मा नहीं काना है अल्लाहु अल्लाह और नहीं है अल्लाह लियुदीआ लिए या ताके यतांगा या यानी वो दौत या आइंदा यानी जाए कर देना वेस्ट कर देना ली के या वो दौत या आइंदा जाए कर दे ईमानुकुम ईमानुकुम यानी तुम सबके ईमान को वो नहीं जाए करेगा और नहीं है अल्लाह के वो जाए कर दे तुम सबके ईमान ली का तर्जुमा यहाँ पर के होगा या वो दा जाए कर दे ईमान ईमान तुम सबके इन्ना बेशक अल्लाह अल्लाह बिन नासी बी पर का तर्जुमा यहाँ पर है बी पर अन्नासी लोगों पर लरऊफ़ुन रहीम
ला, ये भी लामे तानकीद है, एम्फेटिक लाम, ला यकीनन जरूर, यकीनन बेशक, रऊफ रऊफ बहुत नरम कू, ठीक है, नरमी करने वाला, रहीम रहामीम इसके रूट लेटर हैं, बड़ा मेहर रहम करने वाला, बहुत नरम और बहुत रहम करने वाला है। देखें क्या कहा, अब जरा पूरी आयत को देखें, वह और कजाली का इसी तरह जो आला बना दिया ना हमने कुम तुम सबको उम्मतन वसतन, उम्मते वसत, इसको उम्मते वसत भी तर्जुमा कर सकते हैं या दरमियानी उम्मत, पहले दरमियान को तर्जुमा करेंगे क्योंकि वो मौसूफ है, सिफत है, उम्मते वसत दरमियानी उम्मत, और इसी तरह बना दिया हमने तुम सबको दरमियानी उम्मत, ली तकुनु ली ताके ता तुम वावली सब कूनू हो जाओ, शुहदा गवाह अला पर, अन्नासी लोगों पर, वा और या वो कूना हो जाएं, अर रसूला अर रसूल खास रसूल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला पर, कुम तुम सब पर शहीदन गवाह, वा और माँ नहीं जाला बनाया ना हमने, अलकिबलता किबले को, अल्लती वो जो कुन थे ता आप, अला पर हा उस पर उस किबले पर, इल्ला सिवाय लीना अलमा ली के ली ताके नून हम इल्म रख लें, जान ले मन कौन या वो तबाह करता है, अर रसूला रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, मिन मन मिन से मन जो उससे जो, या वो इन कलबा फिर जाता है, अला पर अकीबाई दोनों एड़ियों पर ही उसके, वह और इनका इन कानत इल्ला की वजह से इन नहीं हो जाएगा, वह और इन इन नहीं कानत थी, ला अलबत्ता कबीरतन कबीरतन बड़ी बात भारी बात, इल्ला सिवाय अला पर, अल्लज़ीना उन लोगों पर, हदल्लाह जिनको हिदायत दे दी अल्लाहु अल्लाह ने, वा और माँ नहीं काना है अल्लाहु अल्लाह, ली के या वो दा जाय कर दे ईमान ईमान कुम तुम सब के ईमान, इन्ना बेशक अल्लाह अल्लाह बी पर, अन्नासी लोगों पर, ला अलबत्ता रऊफ नरम कर नरमी करने वाला, रहीम बड़ा रहम करने वाला है, और इसी तरह बना दिया हमने तुम सबको उम्मते वसत यानी दरमियानी उम्मत, जस्ट उम्मत या फिर आप कह सकते हैं अहम उम्मत, और इसी तरह बना दिया हमने तुम सबको उम्मते वसत ताकि तुम सब हो जाओ गवाह लोगों पर, और वो हो जाएं, वो यानी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो जाएं तुम सब पर गवाह, और नहीं बनाया हमने किबले को वो जो आप थे उस पर सिवाय ताकि हम जान ले कि कौन इत्तिबा करता है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उससे जो या उसमें से जो वो फिर जाता है उसकी एड़ियों के बल एड़ियों पर उसकी दोनों एड़ियों पर, और नहीं थी वो अलबत्ता भारी बात सिवाय उन लोगों पर जो जिनको हिदायत दे दी अल्लाह ने, और नहीं था अल्लाह के वो जाय कर दे ईमानुकुम तुम्हारे ईमानों को, बेशक अल्लाह तो लोगों पर बड़ा नरमी करने वाला बड़ा रहम करने वाला है। तो उम्मते वसत वाली बात समझ आ गई आप लोगों को कि अल्लाह ने फरमाया तुमको उम्मते वसत इसलिए बनाया ताकि कयामत के दिन तुम नबी के लिए लोगों के लिए तमाम उम्मतों के लिए गवाही दो और नबी तुम्हारे लिए गवाही दे। उसके बाद अल्लाह ने फरमाया और ए नबी हमने तो इस किबले को तब्दील ही इसलिए करवाया ताकि हम जान ले कि आपकी पैरवी कौन करता है, क्योंकि आपकी पैरवी जो करेगा वही हिदायत पर है, जिसने आपकी पैरवी आपकी इत्तबा आपको फॉलो करने से अपने आप को पीछे हटा लिया तो वही हिदायत पर नहीं वही गुमराह है। तो अल्लाह ने कहा कि हम तो जानना चाहते थे कि ए नबी कौन आपके ऊपर पक्का ईमान लेकर आया है और कौन अपने एड़ियों के बल फिर जाता है इसी बात पर यानी किबले को तब्दील करने पर कौन फिर जाता है, और नहीं थी वो भारी बात सिवाय उन लोगों पर जिनको अल्लाह ने हिदायत दे दी यानी जिनको अल्लाह हिदायत दे दे तो यकीनन उन लोगों के लिए कोई भारी बात नहीं। हाँ जी उन लोगों के लिए कोई भारी बात नहीं है जिनको अल्लाह हिदायत दे दे। और हिदायत का क्या मतलब है, अभी पिछले जगह पर गुजरा कि कौन आपकी इत्तेबा करता है वही हिदायत याफ्ता है, तो जो हिदायत याफ्ता है वो अल्लाह के नबी की इत्तेबा करेगा। और अल्लाह ने फरमाया कि ये बात बहुत भारी है उन लोगों के लिए जो क्या है ना फरमान है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने देखें यहाँ पर जो ये जो बात कही है ना ये जाहिर परस्तों की बात कही है, यानी देखें कि उन लोगों को इस चीज से इतनी तकलीफ हुई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबे का डायरेक्शन यहाँ से यहाँ कर लिया यानी किबले का डायरेक्शन इस जगह से इस जगह कर लिया, तो यहाँ पर असल बात क्या बताना चाह रहा है अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, दीन की रूह को तो कहीं इधर उधर फेंक दिया, नमाज की असल रूह तो कहीं इधर उधर चली गई, और जो जाहिर था अब देखें कोई रफा यदैन कर ले कोई ऊंचा सज्दा कर ले कोई मतलब उंगली को बार बार उठाए अपने तशहुद में,
तो लोगों को ये सारी बातें क्या लगती हैं, बहुत अचंभे वाली बात लगती है, और फिर लोग क्या करते हैं, हाँ बहुत ज्यादा उसके ऊपर पीछे पड़ जाएंगे। अच्छा ये नहीं देखते कि मैं नमाज में खड़ा हूँ और मैं देख रहा हूँ कि अरे उसने नमाज ही के अंदर उसने ऐसे उंगली उठाई, उसने इधर सज्दा कर लिया, नमाज के बाद सलाम फेरने के बाद उसकी करेक्शन कर रहे होते हैं, हाँ कि तुमने दो सज्दे कर लिए थे, तीन कर रहे थे, यानी खुद की नमाज का खुशू गया। हम किस में पड़े हुए हैं कि मेरे आजू बाजू जो लोग खड़े हैं वो कैसे नमाज पढ़ रहे हैं, उसके तीन सज्दे हुए के दो, क्योंकि खुद के चाहे चार हो जाए उसी दौरान, क्योंकि मेरा ध्यान तो सारा उस पे है, तो मैं कहा क्या देखूं अपने बारे में, और फिर अपना सोचते रहते दो पढ़े थे क्या, तीन पढ़े थे, दो पढ़ लिए थे, अगर नहीं तो सज्दा सहू कर लेंगे, अपना सज्दा सहू हो रहा है और दूसरों की नमाजों में ध्यान पड़ा हुआ है। तो खुद का जो अंदरूनी मामला था अल्लाह से कनेक्शन का, वो तोड़कर हम दूसरों की नमाजों के अंदर पड़े हुए हैं। तो बस यही बात थी कि कुछ लोग जो होते हैं बस जाहिर के पीछे पड़े हुए होते हैं, बातिन की तरफ नहीं जाते। देखिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी रफा यदैन किया, कभी नहीं किया, इसी के बाद जो थे चारों जो इमाम हैं उन्होंने, किसी ने किया है किसी ने नहीं किया है, और चारों ही हक पर है। इज्तिहाद इसको कहा जाता है, इज्तिहाद किसको कहते हैं कि जब सब हक पर हो और जिसका भी मानी जाएगी बात वो हक ही पर होगी। तो ये चारों ने इज्तिहाद किया था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी रफा यदैन किया कभी नहीं किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी सिमट कर मतलब औरतों के लिए जी रफा यदैन जो हाथ उठाते हैं ना बीच में, तकबीर उला जो होता है ना, जो मेन तकबीर है उसके अलावा जो एक्स्ट्रा जो हाथ उठाने की बात होती है उसकी बात हम कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें जैसे कि अभी जो गैर मुकल्लद जो है उनका, जैसे कि हमने आप लोगों को वो वीडियो भेजी थी, आप लोगों ने शायद देख भी ली होगी, नहीं देखी आप लोगों ने, हाँ वो उसके ऊपर जो उन्होंने बताया था वो बिल्कुल उन्होंने पॉइंट बताया कि चारों इमाम के नजदीक औरतों का सिमट कर नमाज पढ़ना है, उसका इत्तेफाक है कि औरतें जो सिमट के नमाज पढ़ेंगी बनिस्बत जो गैर मुकल्लद है जो तकलीद नहीं करते, तो उनमें सिमट कर पढ़ने का वो नहीं है। तो उन्होंने ये सल्लू कमा राय तुम भी, यानी सलाम नमाज वैसे ही पढ़ो जैसे कि मुझे पढ़ता हुआ देखो। लेकिन फिर जो उलमा अकराम होते हैं, अल्लाह रब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि मेरे बाद मेरे सहाबा का दीन भी माना जाएगा, ठीक है, और जो ये चार इमाम है उन्होंने जो भी बातें निकाली है मतलब जो भी इज्तिहाद किए हैं वो इसी के बिना पर किए हैं, ठीक है, तो चारों में से कोई गलत नहीं है, ठीक है। अच्छा तो हम खैर बात कहीं और निकल गई, यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या फरमाया कि कुछ लोग जो होते हैं सिर्फ जाहिर के पीछे पड़े रहते हैं, बातिन का कोई कनेक्शन उस पे रहता नहीं है। अल्लाह ने फरमाया ऐसे ही लोग जो सिर्फ जाहिर परस्ती में पड़े रहते हैं, अब ऐसा भी नहीं है कि हम फिर वजू ही ना करें और फिर कैसे भी नमाजें पढ़ लें, जाहिर भी इम्पोर्टेंट है लेकिन बातिन उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे कि अगर आप कोई सदका कर रहे हैं, आपने 1 लाख रुपए का सदका किया और नियत क्या थी, लोगों में मेरा चर्चा हो जाए, 1 रुपए का सदका आपका कबूल नहीं हुआ, क्यों, जो बातिन था वो खराब हो गया, जाहिर तो दिखने में तो बहुत अच्छा था कि 1 लाख रुपए, कहाँ वो 10 रुपए दे रहा है एक बाबा को, कहाँ वो 1 लाख रुपए दे रहा है, कुछ तुलना है, कुछ कंपैरिजन है, जमीन और आसमान का फर्क है, लेकिन अल्लाह नियतों से वाकिफ है, जाहिर खराब जाहिर अच्छा है बातिन अच्छा नहीं है। तो बंदे के अगर नमाज में खुशू और खुजू ही नहीं है और नमाज में इतनी गफलत है कि हम अपनी नमाजों में दूसरों की नमाजों की फिक्र में लगे हुए हैं, हमें खबर ही नहीं कि हम क्या पढ़ रहे हैं और दूसरे क्या पढ़ रहे हैं उसकी तो हमें पूरी वो रहती है खबर, तो फिर ऐसी नमाजों का क्या फायदा जिसमें खड़े तो अल्लाह के सामने और पूरी दुनिया हमारे जहनों में है जो हमारे दिल में बसी हुई है। तो अल्लाह ने फरमाया ऐसे लोग जो जाहिर के पीछे पड़े रहते हैं वो क्या होते हैं, अल्लाह ने फरमाया उनके लिए बात बहुत भारी थी कि वो अपने किबले को तब्दील कर देते। एक हदीस का मफहूम है, अल्लाह रब्बुल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुछ लोग मेरे ऐसे अल्लाह के बंदे होते हैं, वो इतने प्यारे होते हैं अल्लाह को कि वो दिखने में बड़े परागंदा से होते हैं, उनकी कोई सोसाइटी में हैसियत नहीं होती है, वो किसी के घर में बैठना चाहे लोग उनको बिठाएंगे नहीं, वो किसी की बेटी का रिश्ता तलब करें तो उनको कोई अपनी बेटी नहीं देगा, वो अगर किसी से खाना मांगे तो वो उसको हकाल देगा दूर भगा देगा, लेकिन अल्लाह के वहां उसका वो मकाम है कि अगर वो अल्लाह के सामने हाथ उठा लेता है अल्लाह उसकी दुआ को रद्द कभी नहीं करता। समझ रहे हैं हम क्या देखते हैं, कितना बड़ा मकान है, वाह वाह ये तो बहुत अल्लाह के प्यारे बंदे हैं,
क्योंकि एक जो रेड़ी खींच रहा है और जो एक बंदा केले बेच रहा है या कोई सब्जियां बेच रहा है, हमारे हमारे नजर में तो उसका कोई मकाम ही नहीं है, उसकी औकात ही नहीं है। लेकिन ये नहीं सोचते हम कि एक बंदा जो हराम काम करके अपने बैंक बैलेंस जमा कर रहा है, उससे कई ज्यादा बेहतर अल्लाह की नजर में वो बंदा है जिसको फरमाया गया कि जो अपनी रोजी हलाल तरीके से कमा के वो 10 रुपए भी कमा रहा है तो अपने घर वालों के लिए लेकर जा रहा है। हमारा हमारी नजर में उसका कुछ मकाम नहीं है, वो एक रेड़ी वाला है और एक वो वाला है ना ठेला खींचने वाला है, लेकिन अल्लाह के महापुरुष के बहुत बड़े बड़े मर्तबे हैं, क्योंकि वो दिन से रात तक जो अपने घर वालों के लिए 5-10 रुपए बचा बचा कर हर चीज पर कमा रहा है ना, जिससे जाकर हम बार्गेन करते हैं, जो मॉल में नहीं कर पाते, जो यहाँ करते हैं, वही अल्लाह का बड़ा चहेता बंदा है, क्योंकि वो हलाल की कमा कर अपने घर वालों को खिला रहा है। समझ रहे हैं आप कि कुछ बंदे ऐसे भी हैं जो पूरे पूरे रात तक बैठे रहते हैं कि मेरे पास कुछ 50-100 रुपए एक्स्ट्रा आ जाए तो मैं अपने घर वालों को जाके खाना खिला दूं। ये सोचिए कितनी हलाल रोजी है जिनकी जिनके हमारे नजर में कोई औकात नहीं है, लेकिन अल्लाह के वहां उनके बहुत बड़े मर्तबे हैं, क्योंकि जो बंदा हलाल की और अपने हाथ से रोजी कमाता है वो अल्लाह की इबादत में लगा हुआ है, बंदा भी अल्लाह की इबादत में। और सबसे बेहतरीन क्या कहा गया है, रिस्क वही है जो बंदा लाल तरीके से खुद से कमाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अल्लाह ने क्या फरमाया कि ये बहुत भारी बात है उन लोगों के लिए जो क्या करते हैं, जो जाहिर परस लोग हैं, लेकिन जो अल्लाह को अपना तन मन धन सब कुछ दे चुके, जिनका दिल अल्लाह से कनेक्ट हो गया, उनके लिए इन रुख को तब्दील करना या जाहिर के ऊपर कोई भी उनके लिए कोई ये बड़ी हादसे वाली बात नहीं है कि किसने उंगली कितनी बार उठाई और किसने हाथ कितनी बार उठाया। ठीक है, और नहीं जाय करेगा अल्लाह तुम्हारे ईमान, ईमान का यहाँ मतलब है नमाज, अस्सलातु इमादुद्दीन, दीन का असल सुतून क्या है, नमाज है, जहाँ नमाज नहीं वहां पर दीन नहीं है। तो अल्लाह ने फरमाया और दीन कब बनेगा, जब दीन को फॉलो करेंगे तभी तो ईमान की दलील होगी। तो ईमान का यहाँ पर मतलब है तुम्हारा रब तुम्हारी नमाजें जाय नहीं करेगा, वो जो 16-17 महीने या जिसको देर में खबर पहुंची जो इनको, उनकी नमाजें अल्लाह जाय नहीं करेगा, क्योंकि जिसका जब इल्म आ जाए तब से अल्लाह उसकी क्या करता है, पकड़ करता है, इल्म से पहले पकड़ नहीं करता। बेशक अल्लाह बड़ा नर्म खून है, बड़ा नरमी करने वाला है बंदों पर, ये बंदे ही नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन तुम्हारा रब तो बड़ा ही रहम करने वाला, बड़ा नरमी करने वाला है। चले थोड़ी सी तवील है आयत, दो लोग कर लें तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा। हाँ जी करें, आधी आप कर लें, आधी कोई और कर लीजिए। ठीक है जी, ठीक है। तो खैर यहाँ पर हम लोग ये नहीं डिस्कस कर रहे थे कि नमाज किस तरह पढ़नी चाहिए, बात यह है कि पहले हम अपनी नमाजों की फिक्र करें, दूसरों की नमाजों की फिक्र छोड़ दें। ठीक है, हाँ यही अल्लाह ने अभी कहा ना, इतना बड़ा इशू किसके लिए है, अलबत्ता कभी रतन ल कभी रतन, ये बड़ी बात है उन लोगों के लिए जिनको अल्लाह ने हिदायत नहीं दी। ठीक है, तो ये कोई भी बड़ी बात, देखें सारी उम्मत जब, अब आप जब देखेंगे काबे में एक इमाम के पीछे जब लोग नमाज पढ़ते हैं, उसमें चारों इमाम के मानने वाले भी हैं, उसमें अहले हदीस भी हैं, उसी में गैर मुकल्लद भी है, खवारिज भी हैं, शिया भी हैं, बोरी भी हैं, सब पढ़ रहे हैं ना, सब पढ़ रहे हैं, सब काबे के इमाम के पीछे सब नमाज पढ़ रहे हैं। लेकिन कभी ऐसा हुआ कि आप देख रहे हैं कि अरे ये तो खड़ा रह गया और ये बैठ गया, नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि इस नमाज जो है ना, नमाज की जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसके अंदर कोई तब्दीली नहीं हुई है। दो सज्दे हैं तो दो ही सज्दे हर कोई कर रहा है, वो चाहे जिस मसलक का जिस कैटेगरी का मानने वाला हो। जब रुकू एक है तो किसी ने ये नहीं कहा कि हम तो दो रुकू करेंगे तुम चार करो। अगर ऐसा होता तो उम्मत का जो इज्तिमा है, उम्मत का जो जमात है, वो टूट जाती। अल्लाह ने वो जमात को कायम रखा हुआ है, ये भी एक बहुत बड़ा मोजज़ा है। जिस पर एक बादशाह ईमान लेकर आ गया था, उसने जब देखा कि इस तरह से ये लोग इतनी मुनज्जम कौम कि एक इमाम कहता है अल्लाहु अकबर, सारे झुक जाते हैं और एक दो नहीं लाखों की तादाद में, तो वो फौरन वहां पर देखकर ईमान लेकर आ गया कि इतना
डिसिप्लिन है इनकी मतलब उम्मत में, तो यकीनन इतना डिसिप्लिन तो किसी रब का ही वो हो सकता है, कमांड हो सकता है, जो ऐसे लोग एक झंडे तले एक उसमें जमा हो जाते हैं। वरना आप 200 लोग को संभाल नहीं पाएंगे अगर आप एक रूम में कोई इज्तिमा करे या कुछ। लेकिन जहां पर अल्लाह की बात होती है वहां 200 या 2000 भी संभल जाते हैं, हो जाता है ना। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यही मौजजा रखा हुआ है। ये बहुत 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 सोचने और समझने वाली बात है। तो अल्लाह ने यही बात कही है कि ये भारी बात किन लोगों पर है जिनको अल्लाह ने हिदायत नहीं दी। ठीक है, तो मेन अपनी नमाजों की फिक्र करे कि अल्लाह से दुआ करे, या रब मेरी नमाजों में खुशू डाल दे। यानी इसका ये मतलब नहीं है कि इससे पहले जो मसलक वाले या कोई अहले हदीस जो नमाजें पढ़ के चले गए उनकी किसी की भी कबूल नहीं हुई नमाज और वो गए सारे अहले जहन्नम अहलुन्नार बन गए, ऐसा नहीं है। ठीक है, अल्लाह रब्बुल इज्जत को हो सकता है कि उसका वो रफा यदैन ना करना और करना, दोनों में से किसी का करना भी ना पसंद आए और किसी का ना करना भी पसंद आ जाए, क्योंकि उसके दूसरे मामला तो और बहुत अच्छे हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आपकी नमाजों का यकीनन आपकी नमाजों के बारे में पूछा जाएगा कि आपने नमाजें पढ़ी क्या नहीं पढ़ी और कितनी पढ़ी कैसे पढ़ी, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके बाद आपके अखलाक को भी तोलेगा, आपके मामलात को भी तोलेगा। क्या हर वक्त जज बने रहे हर वक्त? देखें, हमें दुनिया में रहकर बंदों वाले काम करने हैं, खुदा वाले काम नहीं करने। जो बंदे का काम है वो बंदा करे, खुदा के काम खुदा पर छोड़ दे। हमने खुदा वाले काम शुरू कर दिए, बंदे वाले काम छोड़ दिए। अब क्या है खुदा वाले काम? खुदा वाले काम ये है कि देखे कि कौन कैसा है, उसका क्या मामला है। वो मामला को हमारा देखने का काम नहीं है। हमारा मामला क्या था देखने का? कि कोई भूखा तो नहीं है, कोई प्यासा तो नहीं है, उसको मेरी जरूरत तो नहीं है, उसको मुझसे कोई फायदा पहुंचता है तो मैं पहुंचा तो दूं। अगर मैं किसी की हेल्प कर सकती हूँ अपने हाथ से अपनी जबान से तो मैं कर दूं, मैं लोगों के लिए नफा बख्श बनूं। ये सारे काम छोड़ के खुदा वाले काम शुरू कर दिए। तो खुदा वाले काम अपने हाथों से छोड़ दें, बंदों वाले काम थाम लें, ताकि कहीं जाकर अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने खड़े हो तो बोले तो सही, अल्लाह बंदों वाले ही काम करके आए, खुदा वाले काम नहीं करके आए। ठीक है, तो अल्लाह है जज करने के लिए काफी, हमें जरूरत नहीं है कि हम किसी के लिए जज बनकर खड़े हों। चले नेक्स्ट आयत की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आयत नंबर 144। पद नरा तकल्लुबा वजहिका फिस समा पद यकीनन, बेशक ये भी ला लामे ताकीद है, उसी की तरह पद जो है ये भी एम्फेसिस और उसके लिए आता है जोर पैदा करने के लिए। कद यकीनन नरा, नून यतान का नून है, नून हमने रा हमजा या रूट लेटर है इसके, हमजा यहाँ से ड्रॉप हो गया क्योंकि वीक लेटर है। कद यकीनन नून हमने रा देखा, तकल्लुबा वजही का, तकल्लुबा फिरना, तकल्लुब काफ लाम बा इसके रूट लेटर है, अलबा यानी फिरना, वजही का वज यानी चेहरा का, आपके आपके चेहरे का फिरना, फिर समाई फी में असमाई आसमान में, सीन में वाव उसके रूट लेटर है, यकीनन हमने देख लिया फिरना आपके चेहरे का आसमान में। ठीक है, ये जो तकल्लुबा का जो ये ताक है ये यतान का ता नहीं है, उसका हिस्सा है। फलअनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरदाहा, अभी इसके अंदर भी थोड़े से ज्यादा से अल्फाज हैं, जैसे फसयक्तीकहुमुल्लाह वाला टाइप का है ये वर्ड। फ फिर लाम, लाम ताकीद है, लाम और नून मुशद्दद, देखिए दो वर्ड आ रहे हैं, लाम और नून मुशद्दद, लाम हाँ और नून मुशद्दद को मिलाकर हम तर्जुमा करेंगे जरूर ब जरूर। फिर लाम और नून मुशद्दद, नून के ऊपर तजदीद है जरूर ब जरूर, नून यतान का नून है, नून यानी हम, वल्ली वाओ लाम या इसके रूट लेटर है, वल्ली यानी फेर देंगे का आपको, फिर जरूर ब जरूर हम फेर देंगे आपको। फा फिर लाम और नून मुशद्दद जरूर ब जरूर, नून हम वल्ली फेर देंगे का आपको, क़िबलतन क़िबले की तरफ, तरदाहा तरदाहा, अल्लाहु अकबर, तरदाहा ता यतान का ता है, ता आप, रजा वा दुआ दुआ, रदु राजी हो जाएंगे, हा उससे जिसे आप राजी हैं उसी क़िबले की तरफ हम आपको फेर देंगे। यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो मोहब्बत है उसका यहाँ पर एक क्या दी है, एक दलील दी है। यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो मोहब्बत है उस हुब को एक्सप्रेस किया है, उस हुब का इजहार किया है। और फिर जरूर ब जरूर हम फेर देंगे आपको किबले की तरफ जो आप राजी हो जाएंगे उससे, आप जिससे राजी हैं, आप किस किबले से राजी थे, काबे से, तो हम तो आपको उसी तरफ फेरने वाले हैं। अभी हम तो सिर्फ देख रहे हैं, हम तो चेक कर रहे हैं, ईमान वालों का ईमान चेक कर रहे हैं। फवल्ली वजह का, फिर वल्ली, अब यहाँ से कमांड है, हुक्म दिया अल्लाह ने,
फिर वल्ली फेर लीजिए, वाओ लाम या इसके रूट लेटर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा एक के लिए, फिर वल्ली फेर लीजिए, वजह का वज यानी चेहरा, वाओ जीम हा इसके रूट लेटर है, वजहुन चेहरा का आपका चेहरा, शतर अल मस्जिद अल हराम, शतरा शतरा का मतलब होता है सिम डायरेक्शन, शीन त्वाए रा इसके रूट लेटर है, शतरा डायरेक्शन सिम अल मस्जिद अल हराम, मस्जिद यानी मस्जिद, अल हराम हुरमत वाली मस्जिद, मस्जिद हराम यानी काबा, काबे की तरफ अपने रुख को अपने चेहरे को फेर दीजिए, शतरा सिम अल मस्जिद अल हराम मौसूफ सिफत है, ठीक है, मौसूफ सिफत है अल मस्जिद अल हराम, तो हुरमत वाली मस्जिद, वहीसुमा कुंतुम व और हैसुमा, हैसुमा एक साथ आता है जहां कहीं, हैसुमा जहां कहीं भी, कुन तुम, कुन काफा नून इसके रूट लेटर है, कुन हो तुम सब, और जहां कहीं भी तुम सब हो, फवल्लू फा फिर, वावलिफ तुम सब, वल्लू फेर लो, अब पहले क्या कहा वल्ली एक के लिए, किसके लिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, अब ये उम्मत के लिए कहा जा रहा है, फिर वावलिफ तुम सब वल्लू फेर लो, वावलाम या रूट लेटर है, वुजूहकुम पहले वजह का आया, वजह वज एक चेहरा और का यानी आप एक का, आप एक का चेहरा यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, तो वज का प्लूरल है वुजू और का प्लूरल है कुम, ठीक है, वुजू चेहरों, कुम तुम सबके चेहरों को, तुम अपने चेहरे को फेर लो, ए उम्मत मुस्लिमा तुम भी अपने चेहरे को फेर लो, हैसुमा जहां कहीं भी तुम हो, कुन तुम, शतरहु शतरा सिम हु उसकी, उसकी किसकी, हु की जमीर अल मस्जिद अल हराम की तरफ जा रही है, उसी की सिम में उस मस्जिद हराम की तरफ, उसी किस तरफ, व इन्ना लजीना उतुल किताबा व और इन्ना बेशक अल लजीना वो लोग जो उतुल किताबा वाओ अलिफ वो सब, उतू पेश के साथ आ रहा है पैसिव आ रहा है, उतू अता का पैसिव है, उतू दिए गए, ठीक है, अता मतलब देना, उतू मतलब दिया जाना, वाओ और इन्ना बेशक अल्लज़ीना वो लोग जो वावली पोसा पूतू अता किए गए दिए गए अल किताबा खास किताब, अब ये जो भी जो, जिन लोगों को भी किताब दी गई अहले किताब की बात हो रही है, जिन्हें दी गई किताब खास तौर पर इसमें यहूदियों का तस्करा है, लियालमून अन्नहु अल्हक मिन रब्बिहिम, अब हमने आपको एक डिफरेंस भी बताया था उतू और आता इना में, उतू मतलब नाफरमान लोग और आता इनल किताब यानी जो फरमा बरदार लोग है, यहाँ पर किसकी बात हो रही है ना फरमानों की, जिनको अल्लाह ने क्या कहा सयकुलु सुफहा, ये उन्हीं बेवकूफों की बात हो रही है, वा और इन्ना बेशक अल्लज़ीना वो लोग जो उतू वावली कोसा बता किए गए अल किताबा किताब, ला यालमूना ला लामे ताकीद है ला अलबत्ता, यालमूना या यतान का या है उना यानी सब, या वो वावनून सब ऐन लामे इल्म रखते हैं जानते हैं, अन्नहु अन्ना के हु वो क्या क्या वो किबला या वो जो डायरेक्शन है या वो फिरना है, अलहकू हक है सच्चा है सच है, मिन से मिन हरफे जर है मिन यानी से, रब रब हिम उनके रब की तरफ से, कि वो तो हक है उनके रब की तरफ से, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उस रुख की तरफ फिर जाना ये हक है, क्यों क्यों इनको पता चला ये हक है, किताब दी गई है ना, किताब में मेंशन किया हुआ था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किबला काबा होगा, तो ये अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसी किबले की तरफ फेर दिया और अल्लाह फरमा रहे इनको पता है कि ये हक है, लेकिन क्या बात है कि वो दिलों का टेढ़ वही बगियन जिद उसकी वजह से, वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा यअमलून, व और अल्लाह के साथ जब भी माँ आएगा तो नहीं का तर्जुमा होगा, व और माँ नहीं अल्लाहु अल्लाह बिगाफिलिन गाफिल गैन फालाम इसके रूट लेटर है गफल गफलत में यानी अन अवेयर माँ अन माँ अन से माँ जो उससे जो या मलूना या वो यतान का या है या वो वाउनून सब आइन इल्म रखते हैं वो सब जो जानते हैं वो सॉरी अमल करते हैं आई एम सो सॉरी आइन मीम लाम अमल करते हैं वो सब जो अमल करते हैं उससे अल्लाह बाखबर है यानी उससे गाफिल नहीं है। कद यकीन नून हमने रा देखा तकल्लुबा फिरना काफलाम्बा इसके रूट लेटर है वजह का वजह चेहरे का आपके चेहरे को फिर समाई पी में असमाई आसमान में फलनु वल्लियन्ना फिर ला लाम और नून मुशद्दद जरूर बजरूर नून हम वल्ली फेर देंगे का आपको किबला किबला तरदा खता आप रजा राजी हो जाएंगे हाँ उससे उस किबले की तरफ जिससे आप राजी हो जाएंगे फिर वल्ली फेर लीजिए वज चेहरे का आपके चेहरे को शतरा सिमत में अल मस्जिद अल हराम मस्जिद हराम यानी काबे की सिमत में फेर लीजिए व और हैसुमा जहाँ कहीं भी कुन हो तुम सब
फिर वावलिक तुम सब वल्लू फेर लो वजूह चेहरों को कुम तुम सब के चेहरों को चतरा सिमत हूँ उसी की सिमत में वह और इन्ना बेशक अल्लजीना वो लोग जो उतु वावलिको सब अता किए गए अल किताबा किताब ला यकीनन बेशक या वो वावलों सब इल्म रखते हैं जानते हैं अन्ना के वो यानी वो डायरेक्शन वो फिरना अलहक हक है मिन से रब रब हिम उनके रब की तरफ से वह और माँ नहीं अल्लाह अल्लाह बी से गाफिल गफलत में यानी के अन अवेयर गए गफलत में अन से माँ जो उससे जो या अमलून या वो वावलून सब अमल कर रहे हैं जो वो सब अमल करते हैं उससे अल्लाह गाफिल नहीं है यकीनन हमने देखा फिरना आपके चेहरे का आसमान की तरफ फिर जरूर बजरूर हम फेर देंगे आपको किबले की तरफ जिस फिर जरूर बजरूर हम फेर देंगे आपको इस किबले पर कि आप राजी हो जाएंगे उससे फिर फेर लीजिए अपने चेहरे को सिमत में मस्जिद हराम की और जहां कहीं भी हो तुम सब ए ईमान वालो तुम सब भी जहां कहीं भी हो तो तुम सब भी फेर लो तुम्हारे चेहरे को उसी की सिमत में और बेशक वो लोग जिन्हें अता की गई है दी गई है किताब यकीनन वो सब तो जानते हैं कि वो हक है उनके रब की तरफ से यानी रब की तरफ से और नहीं है अल्लाह गाफिल उससे जो वो सब अमल कर रहे हैं यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ सुन ली मस्जिद नमाजों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आसमान की तरफ निगाहों को उठना देखा और अल्लाह ने क्या फरमाया अब आज से आप क्या करें अपना किबला काबा को बना लें और सारे उम्मत को भी कह दे कि तुम सबको भी उसी जगह रुक करके नमाजें पढ़नी होंगी ठीक है तो यानी ये अहले किताब यानी उतुल किताब यानी यहूद के लिए बहुत मुश्किल बात थी क्योंकि उनका तो अकीदत किससे थी बैतुल मुकद्दस से थी उनकी अकीदत उससे थी तो ये उनके लिए बहुत बड़ा इम्तिहान बन गया कि अगर हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ईमान के दावे करते हैं तो अब तो हमें अपनी बैतुल मुकद्दस की तरफ पीट करके नमाजें पढ़नी पड़ेंगी तो ये मुनाफिकत जो थी उनकी वहां पर जाहिर हो गई अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस तरीके से दोनों को आजमा लिया मक्का वालों को भी और मदीना वालों को भी अहले किताब में से ईमान वालों को भी आजमा लिया मुहाजिरीन को भी और जो यहूद थे उनको भी आजमा लिया कि वाकई में कौन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की इत्तबा करता है तो अल्लाह ने सबको ही हुक्म दे दिया कि अब से हर जगह पर जहां भी कहीं तुम होगे इसका मतलब क्या है कि अब यहाँ हम इंडिया में भी बैठे हैं तब भी हमें काबे ही की तरफ रुक करके हैसुमा जहां कहीं भी तुम हो तुमको उसी तरफ रुक करके नमाज पढ़नी पड़ेगी और जो उतुल किताब जो नेगेटिव लोग थे उनका उनका मामला क्या हुआ कि वो हक को जानते बूझते भी उन्होंने क्या कर दिया इस चीज का इनकार कर दिया और ईमान वालों को बेवकूफ कहने लगे कि ये लोग बेवकूफ हैं कभी इस तरफ नमाज पढ़ते हैं तो कभी उस तरफ अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह उनके अमलों से गाफिल नहीं यानी उनके इंटेंशंस अल्लाह के सामने जाहिर हैं चलें रिपीट कर लीजिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आयत नंबर 145 वला इन अतैतल लजीना उतुल किताबा व और लाम लामे ताकीद है अलबत्ता इन इन ये इन वो ये इंशाल्लाह वाला इन अगर व और ला अलबत्ता इन अगर अतैतल लजीना आते हमजा ता या अता करें दे दें ता आप जैसे कुंता ता था ता यानी आप आते अता कर दें ता आप अल्लजीना उन लोगों को जिन्हें उतुल किताबा वाली को सब अता किए गए दिए गए पैसे वह अल किताबा किताब बिकुल्ली आयतिन बिकुल्ली हर एक कुल्ली मतलब हर एक काफ लाम लाम इसके रूट लेटर है आयतिन आयत यानी निशानी और अलबत्ता अगर अता कर दे आप उन लोगों को जिन्हें अता की गई है किताब हर किस्म की निशानी में से ठीक है हर किस्म की निशानी हर आयत मा तबियू किबलता का मा नहीं तबियू ता वाली वो सब तबा पैरवी करेंगे इतबा करेंगे किबला किबला का आपकी आपके किबले की यानी आप हर निशानी दे देंगे तब भी वो आपके किबले की भी नहीं करेंगे क्योंकि वो तो जानते हैं फिर भी नहीं कर रहे इसका मतलब आप निशानी भी देंगे तब भी वो नहीं करेंगे वमा अंता बिताबियन वा और मा नहीं अंता आप और ना ही आप बिताबियन ताबी फाइल पैटर्न पर है ताबे इत्तेबा करने वाले पैरवी करने वाले हैं फॉलो करने वाले हैं और ना ही आप फॉलो करने वाले हैं किबलाता हूँ किबला किबला हम उनके किबले की यानी ना वो आपके किबले की पैरवी करेंगे ना आप उनके किबले की पैरवी करेंगे वमा बादुहुम बिताबिन वा और मा नहीं बादुहुम बाज हम उनमें से बाज बिताबिन ताबी इत्तेबा करने वाले फाइल पैटर्न पर है
इत्तबा करने वाले हैं, फॉलो करने वाले हैं, क़िबलतुन क़िबलता क़िबले की, बाज़िन बाज़ के, और ना ही बाज़ उनमें से पैरवी करने वाले हैं क़िबले की बाज़ के। और ये पहले बाज़ को एक करें और दूसरे बाज़ को दूसरा तर्जुमा करें तो क्या पढ़ेंगे, और ना ही वो एक दूसरे के क़िबले की पैरवी करने वाले हैं। जैसे कि हमने आपको बताया कि यहूद और नसारा दोनों ही बैतुल मुकद्दस को मानते हैं, लेकिन जो यहूदी हैं वो मगरिब यानी वेस्ट की सिमत में नमाज पढ़ते हैं, और ईसाई जो हैं वो ईस्ट की सिमत में यानी मशरिक की सिमत में, क्योंकि मरियम अलैहिस्सलाम जो थी ईस्ट में गई थी अपना, जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनका उनको मेहराब में ठहराया था वो ईस्ट यानी मशरिक की सिमत में गई थी, तो ईसाइयों ने मशरिक को अहमियत दे दी और मगरिब को छोड़ दिया। तो अल्लाह फरमा रहे कि एक ही मकाम पर रहकर जब वो एक दूसरे की किबले की पैरवी नहीं करते तो क्या ये खाने काबे की कर लेंगे, जो एक डायरेक्शन नहीं चेंज कर सकते तो वो काबे को कैसे मान लेंगे। तो वो एक दूसरे की भी क्रिश्चियन और ज्यूस वो भी एक दूसरे की पैरवी नहीं करने वाले। वला इन इत्तबाता वा और ला अलबत्ता इन अगर इत्तबा इत्तबा करेंगे पैरवी करेंगे ता आप अहवा हा वा या इसके रूट लेटर है हवा यानी ख्वाहिश ख्वाहिशात प्लूरल है हवा का प्लूरल अहवा ख्वाहिशात की डिजायर्स की हम उन सब के और अलबत्ता अगर आप पैरवी करेंगे उनकी ख्वाहिशात की मिम बादी मिन से बादी बाद मा जो उसके बाद जो जा का जा आ गया का आपके पास मिन से अल इल्मी इल्म में से इन्ना बेशक का आप इजा जब या इजन है ना सॉरी इजन यानी तब यानी उस सूरत में तब लमिनल ज़ालिमीन ला अलबत्ता ला में ताकीद है ला एम्फेटिक लाम अलबत्ता बेशक मिन से अज़ालिमीना ज़ालिम फाइल पैटर्न पर है ईना लगे प्लूरल ज़ालिमों में से हो जाएंगे बेशक आप भी उस सूरत में ज़ालिमों में से हो जाएंगे अगर आप भी उनकी बात को मान लेंगे। और वह और ला अलबत्ता इन अगर अतई अता कर देता आप अल्लज़ीना उन लोगों को जो वाउलि पोसा पूतू अता किए गए हैं अलकिताबा किताब बिकुल ली हर एक आयत निशानी माँ नहीं तब तभी वाउलि पोसा इतबा करेंगे किबला किबले का आपके किबले की वह और माँ ना ही अंता आप बिताब इन पैरवी करने वाले हैं किबला किबले हिम उन हम उनके किबले की वह और माँ ना ही बाज हम उनमें से बाज बिताब इन इतबा करने वाले हैं पैरवी करने वाले किबले की बाज इन बाज के यानी एक दूसरे की वाला इन वा और ला अलबत्ता अगर और अलबत्ता अगर और अलबत्ता अगर इतबाता इतबा करेंगे ता आप हम उनके अहवा ख्वाहिशात की उनकी ख्वाहिशात की मिन से बादी बाद जो माँ जो इसके बाद जो जा आ गया का आपके पास मिन से अल इल्मी इल्म में से इन्ना बेशक का आप इज़न तब या उस सूरत में ला अलबता मिन से अज़्ज़ालिमीना ज़ालिमों में से हो जाएंगे। और अलबता अगर अता कर देंगे आप और दे देंगे आप उन लोगों को जिन्हें दी गई है किताब ये नेगेटिव लोगों के बारे में कि जिन्हें दी गई है किताब जो किताब के नाफरमान लोग हैं उनको अता की गई है जिनको किताब हर एक किस्म की निशानी नहीं वो सब पैरवी करने वाले हैं आपके किबले की और ना ही आप पैरवी करने वाले हैं उनके किबले की और ना ही उनमें से बास पैरवी करने वाले हैं किबले के बास की ना ही वो एक दूसरे के किबले की पैरवी करने वाले हैं। और अलबत्ता अगर आप पैरवी करना शुरू कर देंगे अगर आप इत्तबा फॉलो करने लगेंगे उनकी ख्वाहिशात की इसके बाद के जो आ गया है आपके पास इल्म में से तो बेशक आप भी उस सूरत में जालिमों में से हो जाएंगे। यानी अल्लाह नबी की तरफ मंसूब करके हमें ये बात बता रहे हैं की बातों को मानना शुरू कर दिया तो तुम कैसे हो जाओगे जालिमों में से हो जाओगे। ठीक है समझ आ गई आयत अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है कितने रुकू कहाँ पे पूरा हो रहा है एक ही आयत है ना पहचानते हैं अरफा तारीफ है ना पहचानते हो उसको कमा जैसे के जैसे के यारिफूना या यतान का या है या यानी वो उना यानी सब अरफा पहचानते हैं अबना अहम इब्न का प्लूरल है अपना बेटो हम उनके बेटों को वह और इन्ना बेशक फरीकन
एक गिरोह मिन से हम उनमें से लयक तुमुना ला लामे ताकीद है ला अलबत्ता या वो वाउन उन सब का तमा छुपाता है अलहक का हक को पतमा यानी छुपाना हक को मिन वहुम यालम और हम वो सब वो सब इल्म रखते हैं जानते हैं अल्लज़ीना वो लोग जो आते यता की ना हमने हम उनको अल किताबा किताब या वो सब अरफा पहचानते हैं उसको उस किताब को या उस क़िबले को या जो भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कमा जैसे कि या वो सब अरफा पहचानते हैं अपना बेटो उनके बेटों को और फरीकन एक गिरोह मिन से हम उनमें से ला अलबत् या वो सब कतमा छुपाते हैं अलहक का हक को व और वो सब या वो वाउन सब इल्म रखते हैं जानते हैं वो लोग जिन्हें अता की हमने उनको किताब वो सब तो पहचानते हैं उसको जैसे कि वो सब पहचानते हैं उनके बेटों को और बेशक एक गिरोह तो उनमें से अलबत्ता वो छुपाता है वो सब छुपाते हैं हक और वो सब तो इल्म रखते हैं अब वो कोई अपने बेटों को अपनी औलाद अगर आंख बंद भी होगी ना तो भी वो पहचान लेगा कि ये मेरी औलाद अगर 100 बच्चे खड़े कर देंगे और 100 में आंख बंद अगर उनका लम्स दिलवाया जाए या बाप अपनी औलाद को पहचान लेगा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये इन्वेंट रखी हुई है चीज अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहे हैं जिनको हमने किताब अता की है ना वो इस चीज को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसी तरह जैसे इसी जज्बे से पहचानते थे कि जैसे कोई अपनी औलाद को पहचान यानी इतनी सारी दलीलें अल्लाह ने दे दी थी में से क्या कर रहा था आपको छुपाने वाला था यानी दिल में जानते थे लेकिन जबान पर नहीं लाते थे उस हक को छुपा लिया करते थे बताते नहीं थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी बरहक है इनका जो किला करना है वो भी बरहक है इनकी जो किताब है वो भी बरहक है सब कुछ जानते थे और ये जो ये अपने बेटों को पहचानते थे अरबी मुहावरा है जब किसी को बहुत शरीफ से जानने की नस्बत दी जाती है बेटों को पहचानने की ये मुहावरतन इस्तेमाल होता है वो लोग जिन्हें अता की हमने उनको किताब वो सब तो पहचानते उसे जैसे कि वो सब पहचानते थे उनके बेटों को और बेशक एक गिरोह उनमें से अलबत्ता वो सब छुपाते थे हक को और वो सब तो इल्म रखते थे यानी वो जानते बूझते हक को छुपाते थे किस बिना पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहस करना हम इनको नहीं बस ये बात थी इसी बहस पर उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को नहीं माना चलें एक लाइन की और आयत है छोटी सी अलहक मिन रब्बिका फला तकूनन मिनल मुमतरीन तो समझ ही गए होंगे अलहक मिन से रब रब का आपके रब की तरफ से हक हक है मिन से रब रब का आपके रब की तरफ से फिर ला नहीं तकूनन ये तान का ताक है ता तुम पूना यानी होना और नून के ऊपर शद आ रही है लाम ला आ जाए और नून के ऊपर शद आ जाए तो हरगिज नहीं ठीक है लाम और नून में शद्दत जरूर बजरूर ला और नून में शद्दत हरगिज नहीं नून हरगिज नून के ऊपर शद हरगिज ला नहीं पा फिर नून में शद्दत हरगिज ला नहीं ता आप पूना हो जाना मिन से अल मुमतरीना मुमतर मीम रॉ या इसके रूट लेटर है या मरी यानी शक और ईना लग गया प्लूरल हो गया मीम यानी वाला मुमतर में मीम या एक है पहला मीम रूट लेटर का यानी शक और मीम यानी वाला शक करने वाला और ईना लग गया शक करने वाले प्लूरल हो गया हक आपके रब की तरफ से है तो हरगिज नहीं आप हो जाना शक करने वालों में से यानी जिनको किताब बता कर दी गई है जिन्होंने पहचान लिया है हक को तो फिर उसके बाद वो क्या करे बंदे शक में ना पड़े अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हमारा रुकू मुकम्मल हो गया हक आपके रब की तरफ से तो हरगिज नहीं आप हो जाना शक करने वालों में से तो यहाँ पर जितनी भी आयतें नबी की तरफ मंसूब करके गई हैं वो कही गई है वो सब उम्मत के लिए है ठीक है तो तुम शक करने वालों में से ना हो जाना ईमान का यही तकाजा है कि पहले वो ईमान लाए अल्लाह पर सुम्मा ला यहता उसके बाद वो शक में ना पड़े तो बस शक में मत पड़ना ही नहीं और जिसने थोड़ा सा भी डाउट आ गया ना जैसे हम लोगों को औरतों को खास कर आता है ना क्यों अल्लाह ने आधा हिस्सा रखा विरासत में क्यों ये जो आ गई ना बात ठीक है तो जो अल्लाह ने जैसा दे दिया उसको वैसे ही समझ लें
वही दीन असल हक है, क्योंकि हमारा रब इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सारी चीजों का जो डिवीजन किया है कि जिस भी मामले में अगर हमें थोड़ा सा भी शक आ जाता है, इसका मतलब अभी हमारे ईमान मुकम्मल नहीं हुआ। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर रुकू मुकम्मल हो गया। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा। ठीक है, चले हम नमाज पढ़ लेते हैं इंशाल्लाह, रिपीटेशन में।